क्या सर? रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट पर फॉर्मूला बोलिए। हाँ Qx/4π₀₀ r² + a² का पावर 3/2। चलिए आप बताइएगा, आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? आर के सेंटर पे था। एक सेकंड सर। ये सर 2 लैम्डा sin थीटा/2/4π₀₀ a। ठीक है, आप फोन पर। चलिए प्रियांशी आप बताइएगा, यस आप बताइएगा स्ट्रेट वायर के चलते जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है? सर, क्या फिर से पूछे सर? स्ट्रेट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला सर Ex=λ sin θ₁ sin θ₂/4π₀₀ d। ठीक है, और अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो जाए तब क्या होगा उसी का केस में? सर बोलिए। ठीक E=2π₄₀₀ d। है, चलिए सही है, याद उद करके रखे हैं, है ना। देखिए पिछले क्लास में हम लोग ट्रेजेक्ट्री तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक? ट्रेजेक्ट्री तक। और आज एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करना है, आपको पता है ना। तो देखिए यस ध्यान सर। से, सबसे पहले आज आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पर जो है एक आपको टर्म है क्वार्क, उसके बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? क्वार्क के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। एक टर्म है क्वार्क, उसके बारे में। देखिए आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, है ना। निकाल लिए एनसीईआरटी बुक? देखिए एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 49 निकालिएगा, उसमें क्वार्क के बारे में दिया हुआ है आपका। किस बारे में? क्वार्क के बारे में। चलिए हम लिख देते हैं, बता देते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। क्वार्क्स क्या होता है? तो देखिए सबसे पहली बात समझ लीजिए कि हम लोग क्या जानते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल जो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। एलिमेंट्री मतलब सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वह है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। लेकिन उससे भी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होता है, और वह एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल जो है आपका क्या होता है, वह एलिमेंट्री जो चार्ज पार्टिकल है आपका क्वार्क होता है। लेकिन क्वार्क जो है फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन के जैसा और प्रोटॉन के जैसा। और ये भी जान जाइए कि जितने भी क्वार्क हैं, सॉरी ये भी जान जाइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्वार्क से बना हुआ है, यानी क्वार्क से ही इलेक्ट्रॉन बना है, प्रोटॉन बना है और न्यूट्रॉन बना है। और क्वार्क दो तरह का होता है, एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क। तो वही लिख रहे हैं यहां पर जो है, क्वार्क दो तरह का होता है, एक अप क्वार्क जिसको यू से डिनोट करते हैं, एक डाउन क्वार्क डाउन क्वार्क ठीक है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? डी से। देखिए अप क्वार्क जो होता है उसको पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। अप क्वार्क जो है इट हैव पॉजिटिव चार्ज, ये क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। और डाउन क्वार्क जो है इट हैव निगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज रखता है, नेगेटिव रखता है। अब क्वार्क पर जो चार्ज का अमाउंट होता है ना वो प्लस होता है ट्वाइस ई बाई थ्री, और डाउन क्वार्क पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है ना वो माइनस ई बाई थ्री होता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ये जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो पहले स्तर तैयार है। अब नोट में ये जान जाइए, नोट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ऑल हैव थ्री क्वार्क, थ्री क्वार्क यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी आप ले रहे हैं वो आपको तीन तीन क्वार्क रखता है, इस बात को समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी तीन क्वार्क हैं, प्रोटॉन के पास भी तीन क्वार्क हैं और न्यूट्रॉन के पास भी तीन क्वार्क हैं। तो यानी क्वार्क जो है वो समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वार्क यहाँ तीन तीन होगा सभी में, कितना कितना है आपका तीन तीन है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तीन तीन क्वार्क सभी में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में भी और प्रोटॉन में भी और न्यूट्रॉन में भी। तो क्वार्क क्या है समझना गया है, यह एक चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा चार्ज रखता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। क्वार्क पॉजिटिव और नेगेटिव क्वार्क मिलकर के या तो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन कर लेता है, या तो प्रोटॉन फॉर्मेशन कर लेता है, या तो न्यूट्रॉन फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो देखिए इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं बोर्ड एग्जाम में। आपको न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है ना, हाँ क्यों होता है उसका रीजन अभी यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर बात समझ लीजिए, अगर क्वार्क के टर्म में समझना चाहते हैं तो आपको फाइंड नंबर ऑफ अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क एंड नंबर ऑफ अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क इन फर्स्ट में प्रोटॉन, सेकेंड में न्यूट्रॉन और थर्ड में इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको ये बताना है कि प्रोटॉन में कैगो अप क्वार्क है, कितना डाउन क्वार्क है, न्यूट्रॉन में कितना अप क्वार्क है, कितना डाउन क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन में कितना अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, बनाने का सोल्यूशन का तरीका क्या है, सोल्यूशन का तरीका क्या है उसको समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क पहला बना रहे हैं, मतलब प्रोटॉन के लिए बना रहे हैं, नंबर ऑफ अप क्वार्क इक्वल टू एक्स मान लीजिए, हमको नहीं पता है तब तो, इसलिए नंबर ऑफ डाउन क्वार्क जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आप समझ लीजिए, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क हो जाएगा जो थ्री माइनस एक्स हो जाएगा। कहिए सर थ्री माइनस एक्स क्यों लिखे, तो चूंकि आपको एक नोट में पॉइंट लिखाए थे कि जितना भी क्वार्क है, जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एलिमेंट्री पार्टिकल ये तीनों, वो तीनों में तीन तीन क्वार्क है, लेकिन ये नहीं बताए थे क्या वो अप क्वार्क है कितना डाउन क्वार्क है, गिन के नहीं बताए थे, अब गिनने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की बात कर रहे हैं। अब देखिए बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। आपको पता है कि अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है ट्वाइस ई बाई थ्री होता है, तो ट्वाइस ई बाई थ्री इन टू एक्स हो गया, तो ट्वाइस ई बाई थ्री इन टू एक्स हो गया, ट्वाइस ई बाई थ्री इंटू क्या हो गया
एक्स हो गया, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब प्लस डाउन क्वार्क की संख्या 3 माइनस एक्स है, इस पर चार्ज होता है माइनस ई बाई थ्री, तो माइनस ई बाई थ्री आर इन टू 3 माइनस एक्स लिखिएगा ब्रैकेट में, आर इक्वल टू ये हुआ चार्ज, और आप प्रोटोन पर, तो प्रोटोन पर चार्ज कितना होता है, प्लस ई होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल जब लगाइएगा तो हम क्वार्क माने हैं इतना और इतना, तो इस क्वार्क पर जितना चार्ज का सम होगा, इस क्वार्क पर जितना चार्ज का सम होगा, दोनों का जो सम होगा वो प्रोटोन के चार्ज के बराबर होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, देख लीजिए ध्यान से। फिर से देखिए हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ अप क्वार्क एक्स है, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क 3 माइनस एक्स है, तो और अप क्वार्क पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है और डाउन क्वार्क पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों को अगर जोड़ लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, तब क्या हो जाएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस इस समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है ना, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की बात कीजिए, आखिर क्या होगा। ठीक है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की बात कीजिए, क्या होगा। तो आगे बढ़ें, तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में अगर ये हो गया तो बात समझ लीजिए ध्यान से, दोनों तरफ से यहां पर e कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/3x, देख लीजिए कैलकुलेशन, देखिए 2/3x बचेगा, ये माइनस माइनस 1/3 बचेगा, तो माइनस 1/3 इंटू 3 कर लीजिए, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, एक्स बाई थ्री कर दीजिए, इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए हम क्या किए हैं, ये सब जगह कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो 2/3x बचा है, ये माइनस 1/3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/3 इंटू 3 होगा, आइए माइनस साइन इसको जाके प्लस कर देगा, इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, और यहाँ पर तो ये हो गया आपका क्या, माइनस माइनस कट गया तो 1 हो गया, माइनस 1 को उधर लेके चले जाइए, और इधर एलसीएम लीजिएगा तो 3 बच जाएगा, और ये 2x होगा, और ये x होगा, इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 को उधर लेके चले गए। अब यहाँ हो गया 3x, अब बाई 3 इक्वल टू 2, इसलिए आपका समझ में आ गया होगा x बराबर आ गया आपका क्या आ गया, 2 आ गया, इसलिए नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना हो गया, नंबर ऑफ अप क्वार्क बराबर हो गया 2, और नंबर ऑफ डाउन क्वार्क जो हो गया इसमें आप ही बताइए कितना हो गया, 1 हो गया ये, यानी नंबर ऑफ अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का संख्या आप निकाल दिए हैं, देख लीजिए ध्यान से, कोई परेशानी है तो बतलाइए। देख लीजिए, तब तो प्रोटोन का एक नया नाम होगा, क्या होगा, प्रोटोन का एक नया नाम होगा, नेमिंग ऑफ प्रोटोन कर रहे हैं। अप क्वार्क की संख्या कितना है, 2 है, इसीलिए लिखिएगा अप क्वार्क 2 बार ईयू ईयू, और डाउन क्वार्क 1 बार है इसलिए डी, इसलिए ईयू ईयू डी जो होगा आपका, क्या होगा आपका, ये प्रोटोन का नेमिंग है, यानी नाम लिखिए प्रोटोन का यू यू डी, यानी प्रोटोन का नाम है। पूछेंगे अगले क्लास में प्रोटोन का क्वार्क के टर्म में नेमिंग क्या होता है, क्वार्क के टर्म में नेमिंग क्या होता है, तो यू यू डी होता है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, 2 क्वेश्चन आपको लिए हैं, हम दोनों का आंसर बोलिए तो उसके सामने लिख देते हैं, लेकिन अब हम बना के नहीं दिखाएंगे, समझ लीजिए बात को ध्यान से। इसका जो नेमिंग होगा उसी तरह से प्रोटोन का नेमिंग निकाल दिए हैं, इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज निकाल के सबका नेमिंग निकालना है, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूं क्या होगा, इसका आंसर होगा यू डी डी होगा,
न्यूट्रॉन का नाम, न्यूट्रॉन का आंसर लिख दिए हैं, नेमिंग होगा यूडीडी, आप लोग बना लीजिएगा बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन को होगा डी डी और डी होगा, देख लीजिए उसका नामिंग नेमिंग सब कर दिए, यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं बात को हम क्या कहना चाहें। हम ये कहना चाहे हैं कि नेमिंग यानी क्वार्क क्या होता है वो बात आप समझ गए होंगे क्वार्क का। चलिए प्रियांशी आप बताइए, कोई कष्ट है तो बोलिए अब। नो सर। नहीं ना, समझ में आ गया। तो अब हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे लगातार, ठीक है। तो चलिए देखिए ये क्वार्क था बचा हुआ, देखिए और पिछले क्लास में जो भी डेरिवेशन बताए हैं, जो भी पॉइंट बताए हैं वो आप समझ लीजिए कि क्या है, वो सारा पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशन याद करने से नए डेरिवेशन की तरफ आपका दिमाग काम करेगा, जो एग्जाम में नहीं पहली बार पूछेगा वो भी डेरिवेशन, इसलिए उसको भी लर्न करना है। डेरिवेशन को प्रोसेस को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है ना, तभी जा करके काम न्यू न्यू क्वेश्चन में आपका दिमाग लगेगा यहाँ पर। तो देखिए आज हम लोग पढ़ लिए क्वार्क क्या होता है, एक नया चीज जाने हैं। क्वार्क भी एक चार्ज है, फिर से बोल देते हैं क्वार्क, क्वार्क को याद कीजिए, क्वार्क एक चार्ज है और उसी क्वार्क से इलेक्ट्रॉन बना है, प्रोटॉन बना है, न्यूट्रॉन बना है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एलिमेंट्री है उन सभी में तीन तीन क्वार्क होते हैं, ये फिक्स्ड है, इसको याद कर लेना है। तीन तीन क्वार्क होते हैं, क्वार्क के आधार पर नेमिंग जो होगा प्रोटॉन का यूडीडी होगा, सॉरी यूयूडी होगा, न्यूट्रॉन का यूडीडी होगा और इलेक्ट्रॉन का डी डी तीन बार होगा। सर जब न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मिलके बना होता है तो फिर चार्जलेस क्यों होता है? तब ना चार्जलेस हुआ थी, क्योंकि आप याद कीजिए कि वहां पर न्यूट्रॉन में हम लिखे हैं यू डी डी, तो यू पर 2/3 है, डी डी पर -e/3 -e/3 मिल करके जीरो हो गया चार्ज, यही तो खोज है, ठीक है। अब देखिए आज एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बोले थे कि मैं बतलाऊंगा, है ना, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हुए होंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सारा क्वेश्चन आपको बताते चले जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले देखिएगा, ध्यान समझिएगा, सारा क्वेश्चन बता देने के बाद देखिए यहाँ पर अच्छे तरह समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी है ना आपका एक्सरसाइज पहला का टोटल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा, है ना, कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2×10⁻⁷। देखिए कहता है दो चार्ज है, एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच दो चार्ज है, एक है 2×10⁻⁷ और एक है 3×10⁻⁷ है, क्वेश्चन कह रहा है इतना कूलम चार्ज दोनों में है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है। तो कहता है दोनों चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये बताइए, तो इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए कि रिपल्शन क्या है, जो बताइए फोर्स पूछ रहा है आपसे। तो आपको बता है दो चार्ज के बीच जो होता है कूलम्बिक फोर्स लगता है और वो फॉर्मूला Q1 Q2 / 4πε0 और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है एयर के केस में, एयर के केस में पूछ रहा है, ये फॉर्मूला एयर के केस में लागू होता है। तो F=, लिखिएगा, और 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9×10⁹ होता है, और Q1 Q2 जब लिखिएगा तो दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए 2×10⁻⁷ और 3×10⁻⁷ और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 0.3 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो
थ्री थ्री या नाइन कट जाएगा और तीन थ्री टू या सिक्स बच जाएगा। अब पावर की बात कीजिए, तो पावर की बात कीजिए, इसका टेन टू पावर माइनस टू है जो ऊपर जाके प्लस टू हो जाएगा यानी इलेवन हो जाएगा, और फोर्टीन में से इलेवन गया तो आपका थ्री न्यूटन आपका फोर्स बच जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, बाकी कैलकुलेशन अगर ये रहोगा तो आप चेक कर सकते हैं, वैसा कोई टेंशन नहीं है। देखिए सेकंड नंबर प्रॉब्लम में कहता है 1.2 नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, ये 1.1 है एक्चुअली, है ना 1.1 है, आइए 1.2 नंबर प्रॉब्लम है। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज ड्यू टू अनदर अ स्मॉल चार्ज इतना इज इतना, यानी यहाँ पर भी दो चार्ज है आपका, यह दोनों चार्ज जो है, एक चार्ज है Q1 वो दिया हुआ है माइनस 0.8 माइक्रो कूलम है, और दूसरा चार्ज जो है Q2, ये Q2 जो है 0.4 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच का फोर्स दे दिया आपकी बार, तो डिस्टेंस पूछ रहा है क्या है, अब की क्वेश्चन में दे दिया है कि दोनों के चलते फोर्स ही दे दिया है, यानी कि आप Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर है, आपको ये डिस्टेंस ही अब की बात निकालना है कि दोनों के बीच क्या है। तो बात तो यही क्वेश्चन हो गया ना, बराबर ही हो गया ना आपका। कहता है ये F का वैल्यू 0.2 दे दिया है, 9 गुणे 10 टू पावर 9 किसका लिखाता है ये बात पता है। अब यह दोनों चार्ज देखिए, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं स्केलर फॉर्म में तो माइनस साइन कंसिडर नहीं करते हैं, तो 0.8 और 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रो है तो 0.4 और माइक्रो है इसलिए 10 टू पावर माइनस 6 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर हमको ये तो निकालना ही है। तो 0.2 से जब इसको काटिएगा तो ये 4 बार का कटेगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो देखिए 4 चौके 16 और 144 हो जाएगा ये। अब 144 हो गया तो यहाँ पर जो है इसका दशमलव आप काउंट कीजिए, 6 6 12 1 13 देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर जब देखेंगे तो 0.2 से ये 0.2 काटिएगा तो 4 बार का कटेगा, 1.1 है तो 10 का पावर इसको माइनस 7 कर देगा तो 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, आ इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो गया। तो R बराबर जो होगा ये अंडर रूट में चला जाएगा आपका 144 हो जाएगा, आ इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये मीटर में यूनिट आएगा, इसलिए R बराबर जब लिखिएगा तो 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 मीटर, यानी कि 10 टू पावर माइनस 1 मीटर हो जाएगा, यानी 1.2 मीटर आ जाएगा आंसर आपका। सीधा सीधा बात समझ लीजिए, यानी इतना दूरी पर रखेंगे तो आपका फोर्स 0.2 न्यूटन डेवलप होगा। देखिए क्वेश्चन में कहता है चेक द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जीएमईएमपी इज डायमेंशनलेस, कहता है आपको रेशियो एक कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ पर के ई स्क्वायर और जीएमईएमपी को चेक करने का कहता है ये यूनिट लेस है और ये डायमेंशन लेस है, मतलब ये चेक करने के लिए कह रहा है आपको हर हाल में कि यह यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। तो चेक करते हैं, देखिए कहता है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, तो देखिए ध्यान समझिएगा ये रेशियो कहाँ से आया होगा पहले ये सोचिए, तो देखिए ये रेशियो कहाँ से आया होगा इसको सोचना है। तो पहले आप ये सोचिए कि एगो प्रोटोन लीजिए एगो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटोन लिखा है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मास ऑफ प्रोटोन है यानी ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तब माइनस ही चार्ज इस पर होगा और प्रोटोन है तब प्लस ही चार्ज होगा इस पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर मान लीजिए। तो आपको पता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज जो होता है, दो चार्ज फोर्स बिटवीन टू चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो एफ ई, उसी को हम लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर,
और के का वैल्यू जो होता है यही 1/4 πε0 होता है, जो आप समझ रहे हैं, समझ रहे बात को, वो शॉर्टकट में लिखा हुआ है फॉर्मूला, के का ही वैल्यू उतना होता है। और फोर्स बिटवीन टू मास, जैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उसी तरह से दो मास में टू मास के बीच में जब निकालिएगा तो ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ लगेगा और वह फोर्स का फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मास ऑफ प्रोटॉन होगा बाय डिस्टेंस का होगा, और इस जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब बताइए इसी दोनों का रेशियो लीजिएगा तो एफ ई बाय एफ जी का जब रेशियो लीजिएगा दोनों को डिवाइड कीजिए तो देखिए बढ़ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई, मतलब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिखिएगा तो ई ई हो जाएगा यानी के ई स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिखिएगा इसके बाद तक के ई स्क्वायर हो जाएगा और जी मास ऑफ प्रोटोन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो बताइए यूनिट लेस और डायमेंशन लेस नहीं हुआ, दो सेम फोर्स का ही रेशियो है तो सेम चीजों का रेशियो जो होता है सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। इसलिए क्या हो गया इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस नहीं दिखाई दे रहा है सुन लीजिएगा, डायमेंशन लेस लिखा हुआ है यानी कि आपको याद करना पड़ेगा ये किसका रेशियो है तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस हो गया। चलिए जिनको स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से। देख लीजिए बात समझ लीजिए इसी तरह से, देखिए अब मैं बात बताता हूँ ध्यान समझिएगा। अब तीन नंबर तक एनसीईआरटी हो गया, अब देखिए एक टर्म बताते हैं और आपको सिखाते हैं, जरा गौर से सीखने की कोशिश कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा है ना। देखिए क्वेश्चन ही बनाना सबसे बड़ी बात होती है फिजिक्स में, फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन तक मुझे क्लास है, इसलिए कंपटीशन को तो काफी छोड़ दीजिए है ना, कंपटीशन निकालना है तो हर हाल में मेकअप तो बनाना ही पड़ेगा, आपको इसके बिना कुछ है ही नहीं है ना। तो जरा गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम अपने से बता रहे हैं तीन क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर फर्स्ट में प्रोटॉन पेयर, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के बीच में, दूसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, तीसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। ध्यान से समझिएगा हम पहला का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, मैं दो प्रोटॉन यहां रख दिया हूं तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ही होता है, प्लस ही होता है, मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे और यहां पर बात समझ लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्यू वन क्यू टू बाय 4 πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है इसका लिखिएगा जी मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन होगा तो दोनों प्रोटोन है बाय डिस्टेंस का स्क्वायर लिखिएगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा यानी फाइनल जो वैल्यू बचेगा एफ ई बाई एफ जी वो क्या बचेगा, देखिए 1/4 πε0 का वैल्यू ऊपर जाके होगा 9×10⁻¹, और देखिए दो बार लिखाएगा 1.6×10⁻¹⁹, 1.6×10⁻¹⁹, क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखाएगा
ग्रेशनल कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है ना 6.67 होता है इंटू 10^-11 ऐसा यूनिट में। ये कैपिटल जी के बदले वैल्यू लिखे हैं, देखिए सुन लीजिए, कैपिटल जी के बदले ग्रेशनल कॉन्स्टेंट के बदले लिखे हैं। मास ऑफ प्रोटोन जो होता है 1.67 × 10^-27 के जी होता है, या 66 भी लिख सकते हैं, 1.67 × 10^-27 के जी होता है। बस सोच लीजिए, अब इसी का रेशियो निकालना है आपको, इसी का क्या निकालना रेशियो, तो हमको लगता है 1.67 की दोनों को कटवा दीजिए, लगभग तो बराबर है ना, रेशियो में लिखाना है पावर का, तो आपको पास बच जाएगा 9/6.67। आप पावर वाला रेशियो निकालते हैं, देखिए नीचे जो 57, 57, 54, 54, 11, 65 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 65 पावर माइनस है, नीचे ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 65 + 9, यानी नीचे वाला जो है 65 ऊपर जाके प्लस हो गया, प्लस 9 होगा, पावर में लिख रहे हैं अभी 10 के पावर में, और 38 हो जाएगा माइनस में, ये एक साथ है, तो देखिए ये हो गया 74। अब 74 में 38 घटा दीजिए, नहीं आता है तो आराम से घटा दीजिए, 74 में 38 घटा दीजिए तो आएगा 6 आ जाएगा, और ये भी 3 आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं ये तो लगभग 1 point something आएगा, है ना, तो आपको अप्रोक्स वैल्यू जो होगा FE/FG यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होगा वह इक्विवेलेंट होगा लगभग 10^36 टाइम्स। यानी कि आपको ये बात अब पता चल जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो बहुत ही ताकतवर फोर्स है, और याद कीजिए केमिस्ट्री वाले सर जी आपको याद करवाए होंगे कि नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, सेकेंड में कौन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आप अंदाजा लगाइए जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते आप परेशान रहते हैं, कोई चीज को पेन को छोड़ेंगे नीचे चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना बिग फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर भी देखिए सबको नियंत्रित करते रहता है। तो यहाँ जो रेशियो आप लिख रहे हैं इधर, आप समझ लीजिए बात ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सोच लीजिए है, रेशियो है 10^36, यानी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 10^36 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, इस बात को समझिए ध्यान से, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो हम एक क्वेश्चन अभी बता दिए हैं इसका, और दो क्वेश्चन का रेशियो आप लोग निकाल के भेजिए जल्दी से, इसका और इसका, एक का कम से कम रेशियो हमको निकाल के व्हाट्सएप पर भेजिए, तब फिर हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग से भी कैलकुलेशन कराएंगे तब ना मजा आएगा, ऐसा मजा कैसे आएगा, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, देख लीजिए, बना के जल्दी से भेजिए। चलिए आगे, आंसर आप लोग का 10^39 आएगा, यानी कि तीनों का आंसर का रेशियो याद कर लीजिएगा तो मे बी एग्जाम में, और देखिए प्रोटोन प्रोटोन के बीच का रेशियो होगा जो सबसे कम होगा, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रेशियो होगा उससे 4 power ज्यादा होगा, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच निकाले जाए तो उससे 4 power यानी कि 36, 40 और 44, ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपका ज्यादा संभव है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि आप समझ गए हैं यहाँ पर आप क्या समझे, जो मैं बता चुका हूँ सारा बात। तो एनसीईआरटी का नेक्स्ट प्रॉब्लम में अब चलते हैं कि आखिर क्या होगा, है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी उसके अगला प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी का अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है कहता है
एक्सप्लेन अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ पार्टिकल। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं सारा का सोल्यूशन, क्यों आपका क्वांटाइज होता है, क्यों आपका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी क्वांटाइज, वो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाए हुए हैं, है ना। 1.5 में कहता है रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तो चार्ज तो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। चलिए तो 1.6 क्वेश्चन नंबर जो है उसको देखते हैं, न्यूमेरिकल, मेनली न्यूमेरिकल को देखेंगे, थ्योरी वाला पार्ट पहले सब पढ़ा दिए हैं। तो 1.6 जो है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ना, कहता है 4 चार्ज QA, QB, QC एंड QD, चार को चार्ज है जो स्क्वायर पर रखा हुआ है, चार चार्ज है। यहाँ पर जो चार्ज है उसका नाम QA है, यहाँ पर जो चार्ज है उसका नाम QB है, यहाँ पर जो चार्ज है उसका नाम QC है, और यहाँ जो चार्ज है उसका नाम QD है। QA जो है, QB है जो QC, 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, -5 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, -5 माइक्रोकूलम है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। साइड जो है इसका 10 सेंटीमीटर है, साइड जो है इसका 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस 1 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। सेंटर ऑफ अ स्क्वायर पर एक चार्ज रख दिए है, क्वेश्चन में करा है, सेंटर ऑफ अ स्क्वायर पर एक चार्ज रख दिए हैं, और वह जो क्यू है आपका, वह चार्ज जो है आपका दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम है, पॉजिटिव में। तो कहता है सेंटर जो चार्ज रखे हैं उसका, सेंटर पर जो चार्ज रखे हैं उसका, उस पर फोर्स कितना लगेगा टोटल ये बताइए। तो जब फोर्स की बात कर रहा है तो आप इतना समझदार तो हैं, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इसका हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे शुरुआत ही में। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ए वाला इसको इधर फुकाई करेगा, मतलब इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू ए है। बी वाला है जो निगेटिव है तो इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी कि बी के चलते जो है फोर्स इधर लगेगा। सी वाला जो है इसको इधर रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। डी वाला क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, देख लिए ध्यान से। और एक बात तो क्लियर आपको दिख रहा होगा सिमेट्री से, यानी फिगर से, कि यह यानी यहाँ पर एफ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा और एफ सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्यों, आप दो चार्ज लिखिएगा तो 1 माइक्रोकूलम 10^-6 इंटू 2 माइक्रोकूलम 10^-6 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए पूरा डायगोनल होगा 10√2 और उसका आधा डिवाइड कर दिएगा तो 5√2 सेंटीमीटर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए एफ ए बराबर जब एफ सी आ गया तो यह दोनों फोर्स अपोजिट में है, तब वेक्टर मेथड के हिसाब से इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर जोड़ 5 + 5 10 ही होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। 5 + 5 0 भी हो सकता है, 5 + 5 10 भी हो सकता है, यानी दो इक्वल और अपोजिट इक्वल हुआ डायरेक्शन उल्टा हो तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से सिमेट्री से देखने से पता चल रहा है कि एफ बी का जो फोर्स होगा वो एफ डी के फोर्स के बराबर होगा, देख लीजिए ध्यान से, एफ बी का जो फोर्स होगा वो एफ डी के फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो बात समझिए अच्छी तरह से कि क्या होगा, कि बात समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बात जब समझिएगा अच्छी तरह से तो देखिए क्या होगा, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बात जब समझिएगा अच्छी तरह से तो देखिए आखिर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, है ना। तो उस पॉसिबिलिटी की अगर बात करते हो तो बात समझने की कोशिश कीजिए आखिर की क्या है, और बहुत अच्छा भी है, बात समझ सकते हैं आप ध्यान से अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं।
यहाँ पर देखिएगा तो जब दोनों सेम है तो ऑल फोर्स कैंसिल टू इच अदर है, यानी यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स तब तो क्या होगा, मतलब दोनों उल्टा है तो एक से कटेगा ये ऐसे कटेगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम सिमेट्री ऑल फोर्स कैंसल टू इच अदर, कैंसल आउट हो रहा है, बस इतना लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, जीरो लगने वाला है, क्या है इस क्वेश्चन में यहाँ पर नेट फोर्स एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन है सेवन नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन अ कंटिन्यूअस कर्व एक्स व्हाट द फील्ड लाइन कैन नॉट बिहेव सडन ब्रेक वाई और एक्सप्लेन टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ये सब सारा जो है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े थे ना, उसमें सारा का एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, यानी सेकेंड वीडियो में सारा, थर्ड वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन होगा आपका, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट का देख लीजिएगा जाकर के। देखिए 1.8 में आते हैं, कहता है 2 पॉइंट चार्ज है जो 3 माइक्रोकूलम है और -3 माइक्रोकूलम, यानी 1.8 नंबर जो है उसमें दो चार्ज है, एक +3 माइक्रोकूलम है एक -3 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये सेंटर है, तो मिड पॉइंट जो है ये ओ से इंडिकेट करने के लिए क्वेश्चन में ही कहा है कि मिड पॉइंट को ओ से इंडिकेट कीजिए, और तब फिर ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन में मिड पॉइंट को ओ से इंडिकेट कीजिए, तब क्वेश्चन में कह रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए कि क्या होगा, जबकि 20 सेंटीमीटर था तो आपको पता चल गया हो कि इधर भी 10 सेंटीमीटर बचेगा और इधर भी 10 सेंटीमीटर बचेगा, दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर बच गया है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पोजीशन पर कि क्या होगा। तो देखिए आप जरा बात को अच्छे से समझते हैं तो ज्यादा कष्ट आपको नहीं उठाने की जरूरत है, यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है तो देखिए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला पढ़े वही फॉर्मूला लगेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, तो पहले डायरेक्शन देखिए वेक्टर है ना, तो पहले डायरेक्शन सोच लीजिए तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, बिना डायरेक्शन का यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कहने का मतलब जो है ये पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और निगेटिव के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही, पॉजिटिव चार्ज के चलते उधर होगा और निगेटिव चार्ज के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा, और डायरेक्शन कैसे उधर होता है उसको समझने का तरीका बताए थे हम, क्या वो याद है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो वहां पर अपने मन में सिर्फ और सिर्फ, फिर से बोल रहे हैं, उस मन में वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, +1 चार्ज रखना है, क्या रखना है, +1 चार्ज रखना है, इस बात को समझ लीजिए, जब वहां पर +1 चार्ज रखना है, सिर्फ और सिर्फ +1 चार्ज रखना है, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज उसको धक्का दे देगा और निगेटिव वाला चार्ज उसको उधर खींच लेगा, इसलिए दोनों के चलते यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन सेम हुआ, तरीका समझना गया, जहां पर फील्ड निकालना हो वहां पर +1 चार्ज, क्योंकि डिफिनेशन में ही था यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगानी +1 चार्ज यहाँ रखिएगा तो उसको जो खींचेगा लगातार, यानी बात आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहें, दोनों का फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो नेट फील्ड एट ओ जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ जो होगा उसको ई मान रहे हैं, और वह है ये जो होगा पॉजिटिव चार्ज और प्लस नेगेटिव चार्ज के सम के बराबर होगा, सीधा सीधा यहाँ जोड़ेंगे, क्यों सीधा सीधा जोड़ेंगे, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो 5 5 10 होता है और 5 4 9 होता है और 5 3 8 होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए उल्टा पुल्टा रहता है तो फिर टेंशन होता है, तो दोनों को जब सीधा सीधा आप जोड़ने के लिए तैयार हैं, है ना,
तो देखिए क्या है, देख लीजिए, देखिए तो E पॉजिटिव जब उधर जाएगा तो इसके जल्द 10 सेंटीमीटर पर, तब पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला होता है क्यू बाई, हम लिखेंगे नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, थ्री गुने, देखिए लिख देते हैं चलिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। कहिए सर कि आप प्लस माइनस चार्ज चार्ज में नहीं लिए, चार्ज में इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में थोड़ी लिख रहे हैं कि माइनस लेना है, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, और डायरेक्शन पहले ही फाइंड आउट कर लिए हैं कि क्या होगा, डायरेक्शन पहले ही फाइंड आउट कर लिए हैं कि दोनों एक ही तरफ है, और इसका भी चार्ज जितना है मैग्नीट्यूड में उतना ही मैग्नीट्यूड में इसका भी चार्ज है, डिस्टेंस इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो आप समझ में आ गया होगा कि लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई 4 पाई शॉर्ट के बदले वैल्यू ऊपर जो जाता है इतना होता है, और चार्ज जो दिया हुआ था 3 माइक्रोकुलम था, 10^-6 था, और डिस्टेंस जो था 10 सेंटीमीटर था, 0.1 होल स्क्वायर था, तो 0.1 का क्या था, होल स्क्वायर था, समझ लीजिए बात को, तो 9 × 3 = 27 और 2 × 9 = 54 बराबर हो गया 54, और इनटू आप पावर में लिखिएगा तो ये इसका 2 पावर और ऊपर चला जाएगा, 11 में से 6 हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, तो 11 में से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 10^5 हो जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ 54 × 10^5। अब क्वेश्चन में बी पार्ट में भी कहता है, देखिए बी पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वहां पर यदि एक टेस्ट चार्ज, नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए 1.5 × 10^-9 1.5 × 10^-9 1.5 × 10^-9 कूलम का चार्ज रख दिए हैं, कहाँ पर टेस्ट चार्ज है, ये क्यू रख दिए हैं, कहाँ पर रख दिए हैं, ये पॉइंट ओ पर, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा ये बताइए, तो आप जानते हैं वी नो डैट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वह F बराबर क्यू इंटू ई होता है। फॉर्मूला को याद कीजिए पहले, एकदम क्लियरली तो हम लिखते हैं, कहाँ धोखा देते हैं, फॉर्मूला को याद कीजिए, क्यू ई होगा, F इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू ई होगा, तो F इक्वल टू जब क्यू ई होगा तो क्यू का वैल्यू पता है आपको कितना होगा, क्यू का वैल्यू 1.5 × 10^-9 है, और ई का वैल्यू 54 × 10^5 है। अब देख लीजिए ध्यान से, 15 का टेबल पर, ये 15 × 4 = 60 हो गया, और 6 हो गया 75 और 6 = 81 हो गया, यानी यहाँ 81 हो गया × 10^5 (−4) हो गया, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या होगा, है ना, देख लीजिए समझ लीजिए बात को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, अगर साइंटिफिक मेथड में लिखना चाहते हैं तो 8.1 × 10^-3 न्यूटन फोर्स आपका लग गया है, तो समझ गया होंगे आप लोग कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो तो देख लीजिए एक बार अच्छे से, है ना, समझ भी लिए होंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और तब आप अगला क्वेश्चन देखिए, 1.9 नंबर प्रॉब्लम देख लीजिए, 1.9 नंबर प्रॉब्लम पर ही हम तुरंत बता रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिएगा बात को, देख लीजिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत भारी नहीं होगा, बस इतना ही समझ लीजिए बात को, बहुत आसान टॉपिक होगा,
बहुत ही सिंपल टॉपिक होगा। चलिए प्रियांशी समझ में आ रहा है, बोलिए। यस सर। बनाए थे क्वेश्चन आगे? यस सर बनाए थे। कहाँ तक बनाए हैं? सर 18 तक बनाए हैं। आज हम पूरा बता देते हैं 18 क्या सब खत्म हो जाएगा अगला वीडियो होते होते 8 बजे तक में। देखिए बात अगर समझिएगा तो ये है 1.9 नंबर प्रॉब्लम आपका। क्वेश्चन कह रहा है अ सिस्टम हैज टू चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी लोकेटेड एट अ पॉइंट 0.00-15 यानी जेड एक्सिस की बात कर रहा है। तो हम लोग फिजिक्स के टीचर जो है ना और स्टूडेंट हम लोग एक ही तरह सोचते हैं। अब 0.00 जेड बोला था, जेड हम ऊपर थोड़ी पूछेंगे, हम जेड इसी को मान लेंगे, यही जेड एक्सिस मान लेंगे, तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और 0.00-15 का मतलब ये -15 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर से रखा हुआ है, और 0.00+15 का मतलब ये 15 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है। और कहता है कि यहाँ पर दो चार्ज है, एक है 2 पॉइंट यानी इस पॉइंट का नाम ए रखा गया है और इस पॉइंट का नाम बी रखा गया है, और ए का कोऑर्डिनेट है और ये बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है क्यू ए जो चार्ज है 2.5 × 10 यहाँ पर 2.5 × 10⁻¹ कूलम चार्ज है, यहाँ पर है -2.5 × 10⁻¹ कूलम चार्ज है। देखने से तो लग रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है, प्लस माइनस चार्ज से सेपरेट है, लेकिन लेंथ थोड़ा ज्यादा है, 15 × 30 सेंटीमीटर है, तो डायपोल वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। अच्छा इसमें कहीं रहा है कि टोटल चार्ज बताइए और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताइए, तो बताइए टोटल चार्ज अगर कोई पूछ रहा है, चार्ज ऑन डायपोल अलग बात होता है, तो मैं लिख देता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, देखिए हम शुद्ध भाषा में लिख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है किसी एक का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए 2.5 × 10⁻¹ कूलम चार्ज जो है वो आप लिख दीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से। लेकिन कोई पूछ देगा टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर ये बात पूछ दे कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके जीरो होगा हर हाल में। देखिए चार्ज ऑन डायपोल और टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों बात क्या है, अंतर है, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, क्या है इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो टोटल चार्ज जीरो हो गया। अब कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताइए इसका क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता था याद कीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता था पी बराबर वो होता था चार्ज गुने लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ फॉर्मूला होता था। तो चार्ज तो आपको पता है कितना है 2.5 × 10⁻¹ है, लेंथ कितना हो गया तो 15 × 15 = 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर हो गया। तो यहां से जब कीजिएगा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा 0.75 × 10⁻¹ 10⁻¹ इसी को अगर आप 7.5 करते हैं लिखेगा 7.5 × 10⁻¹ कूलम्ब और मीटर लिखाएगा, सेंटीमीटर नहीं कूलम्ब मीटर इसका यूनिट होता है वो लिखाएगा, और केमिस्ट्री में आप लोग इसका यूनिट पढ़ते हैं डीवाई, क्या पढ़ते हैं डीवाई। आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं कि आखिर क्या करने वाले हैं हम लोग। जो देखिए अगर बात ध्यान से समझते हैं और अच्छी तरह से, तो हम बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, जो इधर देख लीजिए कहता है आप पॉलीथीन पीस रबर
with wool is found to have a negative charge 3×10⁻¹. अच्छा, उसके पहले एक और क्वेश्चन है, 10 नंबर, 9 के बाद आते हैं 10 नंबर प्रॉब्लम पर, 1.10 पर। देखिए ये प्रॉब्लम में क्या कहता है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4×10⁻¹ कूलम मीटर। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, आप सिंबल से काम चलेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और पी का वैल्यू दिया 4×10⁻¹, कितना दिया है 4×10⁻¹ दिया है। देख लीजिए ध्यान से, 4×10⁻¹ दिया है। Placed at this point, what is the force experienced by the test charge? Anna, if a negative test charge of magnitude 1.5×10⁻¹ coulomb, ठीक है, अच्छा 4×9 coulomb दिया है, coulomb meter, और इसका unit देख रहे थे, coulomb meter ही में ही दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है, aligning at 30 degree with direction of uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो 5×10⁴ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 5×10⁴ है, और आपका न्यूटन पर कूलम होगा इसका यूनिट, 4 न्यूटन पर कूलम होगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग, तो देखिए ध्यान से, आपको पता होगा कि हम टॉर्क का डेफिनेशन लिखाए थे, डेरिवेशन भी करवाए थे, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो आपका डायपोल मोमेंट में हम लोग ये दिखा देते, इधर माइनस है इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और दोनों के बीच का एंगल ये थीटा होता है, और यही आपका 30 डिग्री यहाँ दिया है। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद करके रखना पड़ेगा कि पी ई साइन थीटा होता है, और थीटा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। और जब इतना बात आप समझ गए होंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि तब तो यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है जो लिखे हैं, आप क्या वैल्यू पुट करना है जो आप लिखे हैं, यानी कि आप जो लिखे हैं वह जो है पी यानी 4×10⁻¹, और ई 5×10⁴। अब साइन 30, साइन 30 का मतलब हाफ हो गया, तो 5×20 बाय 2 यानी 10×10⁻¹ कितना हो गया, पावर को जोड़िए -5 हो जाएगा। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या फिर जूल भी होता है, सॉरी न्यूटन मीटर होता है, स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर या जूल होता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पॉलिथीन पीस रब विथ वूल फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज इतना, कहते इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज ट्रांसफर ऑफ मास टू द वूल, तो कहता है कि आप सिंपल समझ लीजिए 1.11 में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वह चार्ज जो दिया हुआ 3×10⁻¹ कूलम, 3×10⁻¹ कूलम चार्ज दिया है, क्या जो चार्ज आपका ट्रांसफर हुआ है उस चार्ज के बारे में लिख रहा है कि इतना चार्ज आपका क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझिए बात को, अब क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, एक पॉलिथीन पीस हो या जो भी पीस हो, दो पेन है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों को रब कीजिएगा, रगड़िएगा, तो फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण फ्रिक्शनल चार्ज डेवलप होगा, और उसमें से कोई एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और किसी एक पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। देखिए ध्यान से, किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, किसी एक पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस बात को समझिए अच्छी तरह से। तो अब बात जब समझ गए किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी एक पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो आप बात समझ लीजिए, तब तक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, तब इस बात को समझिए, तब पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आप जो है एक पर पॉजिटिव होगा तो दोनों पर इक्वल चार्ज डेवलप होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होगा, एक पर प्लस होगा तो एक पर माइनस होगा, इस तरह से चार्ज डेवलप होगा। और इसमें कहता है बी नंबर पार्ट में क्वेश्चन कहता है इज मास ट्रांसफर,
तो आप खुद सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पर गया, इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास है 9.1×10⁻³ के लिए, तो वह मास तो ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो चार्जिंग के दौरान मास ट्रांसफर होता है, इस बात का भी डिस्कशन हम पहले के क्लासों में कर चुके हैं, ठीक है। चार्ज के दौरान, इन चार्जिंग के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप जब लिखिए तो कहता है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताइए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकालिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता था वहां से निकाल जाएगा, क्यू बराबर एन, और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो जाएगा क्यू बाई ई हो जाएगा। उस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई हो जाएगा। तो क्यू बाई ई का जब बात कीजिएगा तो ध्यान समझिएगा अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा क्यू, तो क्यू चार्ज हो जाएगा 3×10⁻¹, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ हो जाएगा। अब इसको आप गुना भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गुना भाग तो कर ही सकते हैं आप लोग, इतना तेज़ हैं। तो देख लिए ध्यान से, 11 नंबर तक हो गया। अभी तुरंत फिर हम आगे बता रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं होता है, कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। कंसेप्ट पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे हर हाल में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लगता है भूल गए थे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है आपका क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन, यानी कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो करता है। और टॉर्क का फॉर्मूला था, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आइए, और नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो कितना अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, अच्छी तरह से समझने की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन कहता है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, यानी कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए दो चार्ज है यहाँ पर, दोनों चार्ज जो है 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इफ चार्ज ऑन ईच इज 6.5×10⁻⁷, दोनों पर चार्ज जो है सेम है, और चार्ज का वैल्यू जो दिया है सभी पर वो 6.5×10⁻⁷ कूलम दिया है। तो कहता है म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो यानी फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पहले से पता है, आपको F बराबर होगा क्यू क्यू, दोनों चार्ज सेम है, 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर, आपको पता है 9×10⁹ होगा, दोनों चार्ज होगा 6.5×10⁻⁷ का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस का जो स्क्वायर हो जाएगा, वह डिस्टेंस का स्क्वायर जो है आपका कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, तो 0.5 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, देखिए ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, देखते हैं एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है जब पढ़ लेते हैं तो। और इन सभी को जब सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा आंसर 1.5×10⁻²⁺ न्यूटन फोर्स आ जाएगा, है ना। इन सभी को जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो ये आपका टर्म आ जाएगा, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। 1.2×10⁻²⁺ आ जाएगा, 1.5×10⁻²⁺ न्यूटन आ जाएगा।
अब देखिए बी पार्ट में से कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर चार्ज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। चार्ज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, तो आप फार्मूला को पहले समझ लीजिए। अब की बार एफ डैश में क्या करना है, एफ डैश के फार्मूला में चार्ज को डबल कर देना है, तो 2q × 2q करना है, पाई 4π एप्सिलॉन नॉट करना है, और डिस्टेंस को हाफ करके स्क्वायर करना है, तो ऊपर 4 और नीचे इसका 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 16 qq बाई 4π एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसी का तो गुना भाग कर कितना वैल्यू लाए हैं आप, इसलिए एफ डैश का जो वैल्यू हो जाएगा 16 × 1.5 × 10⁻²² हो जाएगा। यानी कि आप सोच सकते हैं 80 का इतना हो जाएगा 8 हो गया, और 16 और 8 तो 24 हो जाएगा, यानी 24 × 10⁻²² न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन फोर्स हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है प्रीवियस प्रॉब्लम में चाहिए, मतलब कि 12 नंबर प्रॉब्लम जो अभी बनाए हैं उसी में आइए। कहता है ए बी एक्सरसाइज इन द हैव आइडेंटिकल साइज और थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। कहता है ए बी जो है पहला स्फीयर में उस दोनों पर जो चार्ज था आपका ए और बी पर, यहाँ पर भी चार्ज पहले से आने की आपका रखा हुआ था इतने ही के बराबर 6.5 × 10⁻⁷। और फिर दिया हुआ था इस पर भी चार्ज है 6.5 × 10⁻⁷ दिया हुआ है, दोनों पर चार्ज जो है आपका सेम दिया हुआ है। कहता एक तीसरा स्फीयर लाइए जो अनचार्ज है, तीसरा जो है ये अनचार्ज है शुरुआत में, ये अनचार्ज है शुरुआत में। अब स्टेप पहला में कह रहा है, स्टेप पहला में कह रहा है कि ए सी को जो अनचार्ज है आइडेंटिकल है सबका साइज सेम है, इसको ए से सटा दीजिए। कहता है ए को सी से सटा दीजिए, ऐसे ए और सी को टच करा दीजिए, और टच करवाने के बाद फिर दोनों को अलग करवा दीजिए, दोनों को क्या कीजिए अलग कर दीजिए। टच कराने के बाद पहले दोनों को सटा दीजिए फिर अलग कर दीजिए, तो ए स्फीयर आ रह जाएगा और सी स्फीयर रह जाएगा ये। अब ए पर चार्ज कितना होगा, तो जैसा ही टच करवाइएगा तो दोनों में चार्ज, मतलब आप सिंपल सा बात ये सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। तो आपको जो करना है उसको समझिए अच्छी तरह से कि ए और सी को टच करके जब हटा दीजिएगा तो आप सिंपल समझ सकते हैं ऐसा कि एक बाल्टी भरा हुआ है पानी से, दूसरा आइडेंटिकल बाल्टी ले आइए एकदम इक्वल वाला बाल्टी, और पाइप से होल करके दोनों को मिला दीजिए, तो जो भरा हुआ बाल्टी है उससे पानी निकल के खाली वाला में भी चला जाएगा, और साइज में अगर आइडेंटिकल हो तो पानी भी आधा आधा डिवाइडेड होगा, और यहाँ पर साइज में आइडेंटिकल है इसलिए चार्ज आधा आधा डिवाइड होगा। यानी इस पर चार्ज जो अगर क्यू मान लिए हैं तो इस पर चार्ज क्यू बाई टू हो जाएगा, इस पर भी चार्ज Q बाई टू हो जाएगा, मतलब जो Q चार्ज माना था न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख रहे अभी यही रख रहे हैं। और स्टेप सेकंड में कहता है कि C को उससे रिमूव जो किए थे ना, आप B को C से जोड़िए, अब तब B पर चार्ज पहले से Q था, C पर चार्ज पहले से Q बाई टू था, अब इसको जब सेपरेट कीजिएगा तब क्या होगा दोबारा, अब बी स्फीयर पर चार्ज कितना बचेगा, सी पर कितना बचेगा। यानी कि अब की बार क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बाल्टी पूरा पहले से एकदम फुल पानी था और एक बाल्टी में आधा भरा हुआ था, जब पाइप जोड़ी गया था क्या हुआ, तो भी जो ज्यादा भरा हुआ उससे थोड़ा सा निकल के इसमें जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल होगा क्योंकि आइडेंटिकल साइज है। तो आप बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब आइडेंटिकल साइज है तो अब बी और सी पर जो चार्ज होगा कितना होगा, दोनों को चार्ज का जोड़िए पहले, तो क्यू प्लस क्यू बाई टू कीजिएगा तो 3q/2 आ जाएगा, तो 3q/2 का आधा यानी इस पर जो चार्ज होगा वो 3q/4 हो जाएगा, इस पर भी चार्ज होगा 3q/4 हो जाएगा, मतलब इसका हाफ ऑफ चार्ज दोनों पर डिवाइड हो जाएगा। अब कहता है नाउ फिर से ए को जिस पोजीशन पर रखे थे, बी को जिस पोजीशन पर रखे थे, ए बी वहीं पर रखिए,
और न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए। तो फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है क्यू वन क्यू टू, तो अब ए पर चार्ज कितना बचा हुआ है क्यू बाई टू, बी पर चार्ज कितना बचा हुआ है अब थ्री क्यू बाई फोर। देखिए ध्यान से, आप फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस भी वही कहता है रखने के लिए, तो अब आप खुद सोचिए ये चार दुनिया आठ नीचे चला जाएगा और तीन यानी तीन बटा आठ पहले बाहर आ जाएगा और तब बचेगा आपका फॉर्मूला फिर से क्यू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन में थ्री बाई एट टाइम हो गया। मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू कहाँ पता है, इसका वैल्यू यहाँ पता है। देख लीजिए ध्यान से, प्रीवियस प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछ रहा था, इसका वैल्यू यहाँ पता है, तो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब पूछ रहा है, तो आप लिखिएगा थ्री बाई एट और न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जब बात कीजिएगा तो आपको देख लीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू 1.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन। आई इतना तो गुना भाग आप कर ही सकते हैं, इतना तो आसान है, गुना भाग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए बात ध्यान से समझ लीजिए, ये हो गया आपका 30 नंबर प्रॉब्लम। अभी अब आप लोग को 5 से 7 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या कीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या और आगे पूछना है, हम सारा क्वेश्चन बताएंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए 5-7 मिनट ब्रेक, उसके बाद फिर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तब तक बनाइए इसको, आगे क्वेश्चन बनाइए। देखिए 30 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है, बात को समझिए अच्छी तरह से। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए जरा ध्यान से, वहां दो प्लेट बनाया हुआ है, ठीक है, और उससे कुछ चार्ज फेंका जा रहा है और उसमें से एक प्लेट को पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा जो है आपका नेगेटिव प्लेट है, दूसरा जो है आपका क्या है नेगेटिव प्लेट है, उस बात को समझिए अच्छी तरह से, है ना। और तब आप बात समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो नेगेटिव प्लेट के चलते तरफ जाएगा चार्ज वह पॉजिटिव चार्ज होगा और जो आपका पॉजिटिव प्लेट के तरफ जाएगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए क्वेश्चन में तो आपको यही कह रहा था, यहाँ पर अगर ध्यान समझिएगा तो 1.14 आने की 14 नंबर, एक प्लेट ऐसे है रखा हुआ जो कि पॉजिटिव प्लेट है ऐसे, और यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट है इस तरह से ऐसे रखा हुआ, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को फेंका गया तो दो चार्ज जो है इधर मूव कर गया है, इधर ऐसे मूव किया, तीसरा चार्ज जो है ऐसे मूव कर गया है इधर ज्यादा, यानी पहला चार्ज दूसरा चार्ज और ये तीसरा चार्ज। तो आपको कहता है तीनों पार्टिकल से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो आपको पता है जो पॉजिटिव की उधर गया ये दोनों कैसा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, कैसा होगा नेगेटिव चार्ज होगा ये दोनों, इधर जो गया ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो सिंपल था, समझ गए। लेकिन देखिए यहाँ क्या कहता है थर्ड नंबर में, किसका चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो किसका हाईएस्ट होगा, चार्ज बाई मास रेशियो 1, 2, 3 में किसका ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ाए थे, याद है हॉरिजॉन्टल में, देखिए बोलिए ध्यान से आप लोग को याद है वो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये बाद में निकालेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की अगर बात कीजिएगा तो बाई इक्वल टू था आपका, बाई इक्वल टू क्यू ई प्लेट का स्क्वायर एल स्क्वायर था और आपका था 2m u² था, ये था फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का हॉरिजॉन्टल वाले में, इसको x भी लिख सकते थे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वो तो कांस्टेंट होगा पॉजिटिव से जो नेगेटिव आएगा,
ये कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे ट्रेजेक्टरी में, मास ऑफ जो चार्ज है, अच्छा मास ऑफ चार्ज या स्पीड सबको सेम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेट सबके लिए सेम है। अब जरा सोचिए चार्ज बाई मास रेशियो यहीं देखिए छुपा हुआ है, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन था, देख लीजिए ध्यान से। तो चार्ज बाई मास रेशियो छुपा हुआ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का यानी बाई का। तो आप फिगर देख के बताइए कौन सा पार्टिकल है जो ज्यादा डिस्प्लेस किया वर्टिकली, पहला नंबर ये ज्यादा किया है या दूसरा नंबर किया है या तीसरा नंबर जल्दी से झुका है। तो देखिएगा तीसरा नंबर जो जल्दी से झुका है, इसीलिए इसका जो है, हाँ सुलोनी आपका सही है आंसर, थर्ड नंबर जो झुका है इसका क्या होगा, आपका आपका चार्ज वाई मास रेशियो ज्यादा होगा। यानी आंसर क्या लिखिएगा, थर्ड चार्ज का जो होगा चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखिए, 15 नंबर 15 नंबर कॉलम, तो 1.15 में जब देखिएगा 15 नंबर में, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10⁻³ मतलब क्वेश्चन में कह रहा है पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और उसका जो वैल्यू है वो 3×10⁻³ है, 3×10⁻³ कैप है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड हुज पैरेलल प्लेट इज बाय जेड प्लेन। देखिए एरिया दो निकालना है आपको, स्क्वायर साइड है, स्क्वायर साइड का एरिया निकालिएगा 10 सेंटीमीटर, 0.1 का होल स्क्वायर है, और इसका जो प्लेन है वाइजेड प्लेन है, वाइजेड प्लेन है, तो बताइए वाइजेड प्लेन में एरिया जो लिखिएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो 10⁻²² मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका वाइजेड है तो आई हो जाएगा, क्योंकि याद कीजिए पहले ही बता दिए थे अगर वाइजेड प्लेन है, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे सब कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अगर वाइजेड प्लेन है तो एरिया उस पर परपेंडिकुलर, जैसे ये एक्स वाई है तो एरिया भी परपेंडिकुलर जेड के लॉन्ग है, यानी जो प्लेन दिया रहेगा उसका एरिया उस पर परपेंडिकुलर होता है, इस बात को समझ लीजिए। तो वाइजेड प्लेन हो गया आपका यहाँ पर। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है निकालने के लिए वो देखिए, आपको क्वेश्चन में कर रहा है यहाँ पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट एस यानी एरिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एक्स में है और ये भी एक्स में है, दोनों एक्स में है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो वैल्यू दिया हुआ है आपका 3×10³ दिया हुआ है, और एरिया वेक्टर जो दिया हुआ है आपका 10⁻²ʹ दिया हुआ है। तो फ्लक्स के लिए तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो फ्लक्स जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है, डॉट प्रोडक्ट जब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई से डिनोट करते हैं जो ई डॉट एस होता है। अब 11th क्लास का वेक्टर आपको याद होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा इसको कीजिएगा, तो इसको कीजिएगा तो 30 आ जाएगा और यही आपका फ्लक्स आ जाएगा। अब फ्लक्स में होगा न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट आपका। अब बी पार्ट में ये कहता है क्वेश्चन में व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू प्लेन मेक 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब नॉर्मल ऑफ प्लेन जो है उसको झुका करके 60 डिग्री पर कर दिया गया, मतलब ऐसे था उसको 60 डिग्री पर कर दिया गया, और देखिए ध्यान समझिएगा बात समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं बी पार्ट में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका ई एस कॉस थीटा भी हो जाएगा, यहाँ जो थीटा जो होगा ना एंगल होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जानते किधर होता है, नॉर्मल के लॉन्ग होता है, इसलिए नॉर्मल के साथ एंगल दिया था। इस क्वेश्चन में देखिए नॉर्मल के साथ एंगल लिख दिया था, नॉर्मल के साथ एंगल दिया था, इसीलिए जो एंगल दिया है वही एंगल यूज करेंगे, अगर उसका उल्टा देता तो एंगल हम यूज नहीं करते, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा कि नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है एंगल,
तो देखिए ये मान लीजिए कि आपका नॉर्मल है प्लेन का, ये बुक का जो है, ये बुक देखिए रखा हुआ है यहाँ पर, ये नॉर्मल है आपका। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, ये नॉर्मल है। अब ये बुक पर ये नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और नॉर्मल का डायरेक्शन है उसके बीच का 30 डिग्री है, तो एंगल तो वही लीजिएगा। लेकिन सम टाइम क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, नॉर्मल के साथ एंगल नहीं देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपको प्लेन के साथ नीचे के साथ एंगल दे देगा, इधर नीचे से। तो आप बताइए आपको एंगल तो लेना है जो फार्मूला में क्या है, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ एंगल निकालने के लिए फिर आपको 90 में से घटा के लेना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन बनाते समय ये नहीं कि जो दिया नंबर वही पुट करके आंसर निकाल दीजिए, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ही करवाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ तो सीधा सीधा दे दिया है, तो E into S का तो फॉर्मूला 30 आ ही गया था, पहले ही गुना का भाग करके निकाल लिए थे। और cos जो दिया है इस क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री दिया है, cos 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, सॉरी cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, यानी 15 आ जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर में कहता है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइज 15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर सो फेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेट फ्लक्स निकालने के लिए कह रहा है कि क्या होगा, एक क्यूब के थ्रू, और क्यूब का साइड है जो आपका 20 सेंटीमीटर, क्यूब का साइड जो है आपका 20 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तब आपको कह रहा है कि नेट फ्लक्स बताइए उस क्यूब के थ्रू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए ये 15 नंबर था, 16 नंबर में कहता है एक क्यूब बना दीजिए, और क्यूब जो बना रहे हैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग बनाइएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग का मतलब समझते हैं, याद कीजिए टर्म को, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है कि क्यूब का एक साइड एक्स है, एक साइड वाई है, और एक साइड है जो आपका जेड है, इसको कहते हैं क्यूब बनाइए कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। देख लीजिए एकदम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग बनाए हैं, 3D फिगर है, आप ध्यान से समझ सकते हैं बात को, एकदम 3D फिगर है 100%। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्स के लॉन्ग ऐसे आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है, आई कैप लगा हुआ उसमें। अब बताइए फ्लक्स किस किस सरफेस से होगा, तो फ्लक्स यहाँ मात्र 2 सरफेस से होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, बाकी 4 सरफेस से नहीं होगा, नीचे वाले से, छत पर वाले से नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले निकल जाएगा एंगल इसका, देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, मान लीजिए छत पर जाइए तब प्लेन का एरिया हो जाएगा इधर, और इसका इधर 90 डिग्री, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स एट लेफ्ट सरफेस होगा और फ्लक्स एट राइट सरफेस होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा लेफ्ट सरफेस पर, तो लिखिएगा ई एस कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि नॉर्मल इधर होता है, याद कर लीजिए। और यहाँ पर होगा ई एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि उसका इधर होता है आपका एरिया, तो फ्लक्स बराबर जो हो जाएगा आपका कॉस 180 तो माइनस ई एस और प्लस ई एस इक्वल टू क्या होगा 0। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्या है, 0 आया है, फ्लक्स यहाँ क्या होगा आपका 0 होगा। देखिए आज यहाँ तक क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना, अभी और आगे टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का चलेगा, समझ लिए बात को, 16-17, लेकिन पहले थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर बता। चलिए एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका 70 नंबर है, क्या है 70 नंबर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स
इंडिकेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सरफेस इज इतना। अब ब्लैक बॉक्स रहे चाहे व्हाइट बॉक्स रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, बॉक्स है तो बॉक्स आपका ये भी नहीं दिया कि क्यूबिकल है कि क्या है, बॉक्स का भी शेप नहीं दिया था, लेकिन मैं क्यूबिकल बना देता हूँ क्योंकि वो शेप नहीं लेने के लिए केवल बॉक्स बोला है। तो जनरली बॉक्स जो होता है क्यूब होता है या क्यूबिकल या फिर क्यूबॉइड जो भी बोलिए वही होता है। अब क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, आउटवर्ड फ्लक्स मतलब फ्लक्स बाहर क्यों निकल रहा है, फ्लक्स क्या कर रहा है बाहर क्यों निकल रहा है चारों तरफ से, नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स जो है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया है आउटवर्ड फ्लक्स का जो वैल्यू दिया है फाई, यानी फाई बराबर जो वैल्यू दिया है आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, जो वैल्यू दिया है 8 × 10³ दिया है एस यूनिट में। तो कहता है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, बॉक्स के अंदर नेट चार्ज क्या होगा। तो एक बात पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं, कि एक बात समझिए कि अगर आउटवर्ड फ्लक्स है तो हर हाल में इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा। पहले दिमाग लगाइए, कंसीडर कीजिए, अगर आउटवर्ड फ्लक्स है तो हर हाल में उस बॉक्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहा होगा, ऐसा नहीं करें कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है 10 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज होगा तो 3 कूलम्ब निगेटिव होगा, तब पर भी नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा। बात को समझने की कोशिश, हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए तब जाके मजा आएगा। तो नेट आउटवर्ड जो फ्लक्स है आपका इतना दिया है, तो कहता है चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बताइए, मतलब सरफेस के अंदर क्या है ये बताइए। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या लगाइएगा, फ्लक्स दिया हुआ है और आपको लगाना है, फ्लक्स दिया हुआ है और आपको लगाना है, क्या लगाएंगे ये बात सोचिए। अब फ्लक्स दिया हुआ है तो देखिए फ्लक्स का दो ही गो फॉर्मूला होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गुणे एरिया ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, दूसरा गॉस लॉ में जो पढ़े हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ चार्ज लगाना है, चार्ज निकालना है, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला पड़ा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू जो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए चार्ज क्यू बराबर होगा इन साइड बॉक्स, चार्ज जो होगा बॉक्स के अंदर इन साइड बॉक्स के अंदर जो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई होगा। फाई का वैल्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, तो हम तो सिर्फ ज्यादा ज्यादा डाटा लिख सकते हैं। Q का वैल्यू होगा 8.85 × 10²-12 ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, और फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है 8 × 10³ दिया हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि आपको चार्ज अंदर है जो निकल गया होगा, 17 का ए नंबर पार्ट था, अब बी नंबर पार्ट में क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर If net outward flux through the surface of box were zero, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? Question में देखिए कह रहा है, उस question को अगर समझने की आप कोशिश कर रहे होंगे तो question में आपको ये कह रहा है कि अगर box के अंदर net flux zero हो, यानी net flux zero है किसी box के अंदर, तो आप क्या कह सकते हैं बॉक्स के अंदर चार्ज होगा या नहीं होगा, ये आप लोग को बतलाना है, जल्दी से बोलिए, बॉक्स के अंदर चार्ज होगा या नहीं होगा ये बतलाना है आपको। अगर चार्ज होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दोनों रीजन बताना है, बोलिए। तो मैं बताता हूं आंसर इसका होगा मेबी, मेबी का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए रीजन मैं लिखूंगा यहां पर नहीं, आप सुन लीजिए बाद में लिख लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि अगर मेबी लिखने का मतलब नेट फ्लक्स जीरो है तो बॉक्स के अंदर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम ये कह रहे हैं। लेकिन यदि बॉक्स के अंदर चार्ज होगा त
तो जितना प्लस होगा ना उतना ही माइनस होगा, यानी माइनस 5 माइक्रोकुलम है तो प्लस 5 माइक्रोकुलम होगा, तभी नेट फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि प्लस के चलते आउटवर्ड फ्लक्स होता है और निगेटिव चार्ज के चलते इनवर्ड फ्लक्स होता है। तो नेट फ्लक्स जीरो करने का मतलब एक ही हुआ, उस बॉक्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव होगा, तभी फ्लक्स जीरो होगा। ये बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए। आए बस समझ में, आप जरा आगे बढ़िए और आगे समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, तब तो आपको ध्यान समझ लीजिए, हम ये बताना चाह रहे हैं आज चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नहीं होगा तो प्लस जीरो होगा ही, लेकिन यदि होगा तो क्या होगा, हर हाल में आपका इक्वल है ना पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि 17 नंबर का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो हर हाल में इक्वल है ना पॉजिटिव चार्ज होगा, अन्यथा फिर नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 18 नंबर प्रॉब्लम, 18 नंबर प्रॉब्लम में आते हैं, एनसीईआरटी का 18 नंबर प्रॉब्लम है, उसमें आते हैं। 18 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहता है, देखिए 18 नंबर प्रॉब्लम का फिगर आप लोग खुद देख लीजिए। देखिए यहाँ पर फिगर जो दिया हुआ 18 नंबर में, देखिए आपको दिख रहा होगा, एक आपका ये कहता है कि एक प्लेट है, ऐसा स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट के ऊपर थोड़ा सा एक चार्ज रखा हुआ है ना, तो कहता है वहां पर चार्ज के चलते इस प्लेट में कितना फ्लक्स होगा ये बताइए। यानी बात समझ लीजिए, कहने का मतलब यही हुआ, यही प्लेट है, ये बुक को प्लेट मान लीजिए, आप पेन के ऊपर यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है साइड, और यहाँ 5 सेंटीमीटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स सिर्फ इस प्लेट के द्वारा पूछ रहा है। तो फ्लक्स निकालने का दो केस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ दिया नहीं है, एरिया दिया है, यानी उधर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यानी गॉस लॉ लगेगा, और गॉस लॉ ओपन सर्फेस के लिए नहीं लगता है, गॉस लॉ ओपन सर्फेस के लिए नहीं लगता है, क्लोज के लिए लगता है। तो प्लेट से कैसा क्वेश्चन सोल्व बनाइएगा, बोलिए जल्दी से। सिलेंडर स्फीयर क्यूब, अगर प्लेट रहेगा स्क्वायर प्लेट से कैसा क्वेश्चन सरफेस का निर्माण हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है, सिलेंडर का कि क्यूब का कि स्फीयर का, तो सीधा सा बात है क्यूब, क्यूब का होगा नहीं, तो क्यूब का जब होगा तो एक क्यूब बना लेते हैं फिर से, और इस क्यूब में मैं देखिए, मैं ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम 3D पिक्चर एकदम रियल दिखाई देगा आपको, आप ध्यान से केवल देखते रहिएगा। देखिए आपका जो प्लेट दिया हुआ था ना, यही प्लेट है दिया हुआ, ये प्लेट, तो आपका जो प्लेट है ना जिसमें मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ वही आपका प्लेट है मात्र, देख लीजिए यही आपका प्लेट है, मतलब जो डॉटेड लाइन बनाया है, देखिए आपको पिक्चर में एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि जो नीचे फिगर है यही आपका क्या है, आपका डॉटेड लाइन है, वही आपका क्या है, अब इसी पर चार्ज है, इसी के सेंटर से चार्ज है जो यहाँ पर चला गया, ऐसे है, मतलब यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, और क्वेश्चन में कितना अच्छा दिया है, इसका साइड जो है क्यूब का 10 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई है जो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह चार्ज एकदम बीचों बीच कहाँ, क्यूब के सेंटर पर चला गया, कहाँ चला गया, क्यूब के सेंटर पर, तो क्यूब के जब सेंटर पर यह चार्ज है तो चारों तरफ यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड होगा, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब जो होगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब जो होगा वह क्या होगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, गॉस लॉ के अनुसार, ये गॉसियन सरफेस बना दिए हम, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दिए हैं, तो फ्लक्स थ्रू साइड क्या होगा, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट या साइड जो भी लिखिए, स्क्वायर प्लेट लिख लीजिए, स्क्वायर प्लेट क्या होगा, तो आपको पता है क्यूब में कितना सरफेस होता है, 6, तो एक के चलते कितना, 6 से डिवाइड, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, अब आपके पास चार्ज दिया हुआ, अब साल नोट का वैल्यू पता है तो फ्लक्स नहीं निकल जाएगा कि हमसे गुना भाग करवाइएगा, ये बोलिए, अब अगर हमसे नहीं करवाइएगा कर जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर प्रॉब्लम क्या है, यानी 1.19 है ना एनसीईआरटी का 19 नंबर प्रॉब्लम क्या है, कहता पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकुलम इज एट ए सेंटर ऑफ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर,
व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब आपको पता है कि क्यूब का लॉ भी एक क्वेश्चन बना है, 19 नंबर का ही क्वेश्चन है। आपको पूरे क्यूब से आपको फ्लक्स पूछ रहा है, क्या कहता है, पॉइंट चार्ज है इतना सेंटर ऑफ क्यूब पर रखा हुआ है, तो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस बताइए क्या होगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो होगा, फिर अगला क्वेश्चन भी वही, नेट फ्लक्स थ्रू जो क्यूब होगा वो तो क्यूब आई एप्सिलॉन नॉट होगा सिर्फ। आप बताइए फ्लक्स का जो फॉर्मूला क्यूब आई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो याद कीजिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कितना फालतू डाटा दिया वो समझिए। आपको 9 सेंटीमीटर रेडियस राशि जो आपका दिया हुआ है, साइड एज वो क्या है, आपको एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आपका 2 माइक्रोकुलम आने 2 माइक्रो मतलब 10^-6 आसानों का वैल्यू 8.85 × 10^-12 इसको गुना भाग कर लीजिएगा, आपको SI यूनिट में इसका फ्लक्स आ जाएगा। बात समझ लीजिए। अब 19 नंबर के बाद आते हैं 20 नंबर पर। देखिए 20 नंबर में कह रहा है अ पॉइंट चार्ज काउज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस में दिया हुआ है टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। देखिए यानी 20 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, वो 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, वो बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ऐसे है 20 नंबर क्वेश्चन जो है, इस प्रकार से उसको समझ लीजिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है इसका रेडियस जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है रेडियस, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, और कहता है इसमें माइनस में फ्लक्स दिया हुआ है। तो कहता है इफ रेडियस ऑफ गॉसियन डबल हाउ मच फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज। कहता है आप बताइए यहां चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर पर, आप बताइए कि यहां से गॉसियन सरफेस खींचे हैं तो फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा फ्लक्स यहां से जब सरफेस ए नंबर में, आप सोच लिए फ्लक्स क्या होगा, अभी तो पढ़े क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, अब फ्लक्स जो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, अब रेडियस कहता है डबल कर दीजिएगा तो फ्लक्स क्या होगा। तो बताइए जब चार्ज हो गॉसियन सरफेस दिया हुआ हो तो उसमें एरिया और रेडियस का कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये गॉसियन सरफेस है तो आपका ये बड़ा रहे या छोटा रहे उसके अंदर का चार्ज क्यों ही रह जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए तो भी सेंटर पर चार्ज क्यों रहेगा, 20 का लीजिएगा तो भी सेंटर पर चार्ज क्यों रहेगा, 50 का लीजिएगा तो भी सेंटर पर चार्ज क्यों ही रहेगा। तो आप खुद सोचिए फ्लक्स में कोई चेंज होगा, तो पहला का आंसर होगा नो, यानी कि ए में वही होगा आंसर, फाइनल जो होगा वो नो जाएगा, नो चेंज होगा फ्लक्स में। अब बी नंबर में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब बी में कहता है पॉइंट चार्ज का वैल्यू निकालिए, तो पॉइंट चार्ज बराबर क्यू बराबर क्या होगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब आपको पता है फ्लक्स दिया हुआ था तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स निगेटिव में दिया था क्वेश्चन में, तो फ्लक्स निगेटिव में कितना दिया हुआ था, -1 × 10^3 दिया हुआ था, -1 × 10^3 दिया था, 8.85 × 10^-12। अब सोच लीजिए आपको क्यू आ गया 8.85 नैनो कूलम्ब आ गया चार्ज। अब समझ लीजिए बात को, बिग नंबर भी बन गया आपका। अब 20 के बाद 21 है, 1.21 है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, 1.21 है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, 1.21 है। क्वेश्चन में कहता है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज, मतलब उस पर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज इतना एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। एक स्फीयर है उसका चार्ज रेडियस जो है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यह एक ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, एक आपका ये स्फीयर है जिसका रेडियस जो दिया हुआ है आर, वह रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कहता है इस पर चार्ज जो है आप क्यू रख दिए हैं, अब पता नहीं कितना चार्ज रखे हैं लेकिन चार्ज वो क्यू है पता नहीं है, और कैसा चार्ज है ये भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी है, 20 सेंटीमीटर का दूरी है कहाँ से, सेंटर से, सेंटर से जहाँ 20 सेंटीमीटर का दूरी है,
वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है इधर की ओर, अगर इधर की ओर आ रहा है तो इधर नेगेटिव चार्ज इसका मतलब रहा होगा, यानी कि क्यू का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, इस बात से पता चल गया है। देख लीजिए ध्यान से, वो कहा इनवर्ड मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा इनवर्ड, उससे पता चल गया कि यहाँ पर जो है फ्लक्स आपका हर हाल में क्या है, सॉरी चार्ज है जो है निगेटिव है। अब वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, तो आपको पता है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो याद कीजिए गॉस लॉ में सबसे पहला जो डेरिवेशन किए थे उसमें यही था, चार्ज मेटालिक स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है और बाहर आर डिस्टेंस पर जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, और वह डिस्टेंस जो होता है सेंटर व स्फीयर से मेजर किया जाता था, न कि सरफेस से। यानी कि याद कीजिए आप सरफेस से मेजर नहीं कर सकते हैं, सेंटर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप पढ़े थे क्यू बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 × 10³ दिया हुआ है, 1.5 × 10³ दिया हुआ है। 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻¹। चार्ज आपको निकालना ही है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, 0.2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता चल गया होगा कि चार्ज आप वहां से निकाल सकते हैं। यही चार्ज फाइंड आउट करना है, हम ही फाइंड आउट कर दें क्या, बोलिए जल्दी से, चलिए कर देते हैं, है ना। 21 नंबर का है, चार्ज निकालना है, तो चार्ज जब निकालने चलेंगे तो चार्ज बराबर क्या होगा आप समझ लीजिए, 1.5 × 10³ और 4 × 10⁻², ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई और ये नीचे आके डिवाइड 9 × 10⁻¹। आपको पता है यहां से कटेगा तो ये 0.5 बचेगा और ये बचेगा 3, देख लीजिए, और हो जाएगा ये 2/3, यानी q बराबर हो गया 2/3 × 10⁻¹। अब पावर जोड़िए तो पावर ये ऊपर जाके निगेटिव होगा, ये 11 में से 3 चला जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 6.67 nC इतना चार्ज आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं कर दिया हूँ, इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर इसमें से कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से, 21 तक में, तब 22, 23, 24 में बतला रहा हूँ तुरंत अभी, देख लीजिए, है ना, बात समझ लीजिए आप लोग भी। फिर सुतल है ना तुम, चलिए आप लोग से बन गया है 22 नंबर, बना 22 नंबर, चलिए देखिए, एक आध वो नहीं बोले हैं इसलिए बता देते हैं। देखिए 22 नंबर पे क्या कहता है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, यानी किसी भी स्फीयर का जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, यानी इसका सिग्मा दिया हुआ है वैल्यू में, और सिग्मा जो दिया हुआ है आपका 80 μC यानी 80 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एस यूनिट में। अब कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन में रेडियस सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस जो हो जाएगा आपका 2.4/2 यानी 1.2 मीटर, क्योंकि डायमीटर से रेडियस निकाल रहे हैं। फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर, तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है आपका क्यू बाई एरिया, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बराबर होता है चार्ज बाई एरिया,
अब इसलिए चार्ज बराबर जब लिखेंगे तो क्या होगा, आप समझ लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, लेकिन इस स्फीयर का एरिया होता है 4πr² होता है, इसलिए चार्ज जब निकालने चलेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 × 10⁻⁶ लेंगे और फिर इनटू में 4π लेंगे, रेडियस 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको यहां से चार्ज निकल जाएगा। फिर कहता है उसी 22 नंबर में टोटल फ्लक्स बताइए कि कितना होगा, टोटल फ्लक्स बताइए कि कितना होगा, और इसको गुणा भाग करेंगे तो आएगा 1.45 × 10⁻³ कूलम्ब चार्ज आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स बी नंबर में पूछ रहा है, टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर जो होगा वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा, चार्ज यहां से मालूम हो चुका है तो टोटल फ्लक्स जब निकालिएगा 1.45 × 10⁻³ / 8.85 × 10⁻½। इन सभी को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है, आंसर आ जाएगा। और हमें लगता है कि 10⁻ देखिए ऊपर जाएगा तो 9 होगा, तो इसका लगभग आंसर आएगा 10⁸ तो होगा और 14, तो 1.6 × 10⁸ आ जाएगा आपका फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। इतना बात समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो ये 22 नंबर प्रॉब्लम था देख लीजिए, अब 23 में आइए। इनफिनिटली लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना 2 cm, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए ध्यान से समझिएगा, 23 नंबर तो सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, कहता है एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज ऐसा होगा, चलिए ऐसा बनाते हैं जैसा फिगर पहले बनाए थे, लाइन चार्ज है ऐसा, इनफिनिटली लॉन्ग है लाइन चार्ज, तो इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज के चलते इनफिनिटली लॉन्ग है, दोनों तरफ से इनफिनिटी है, लॉन्ग चार्ज वायर है ऐसा क्वेश्चन में कह दिया, तो आपको 2 cm की दूरी पर, 2 cm की दूरी पर यानी r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले से आपको पता है, 2λ/4πε₀r। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है लैम्डा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जरूर दिया हुआ होगा, 9 × 10⁴ दिया हुआ है, 9 × 10⁴ दिया हुआ है, और इसका 1/4πε₀ का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, और लैम्डा और डिस्टेंस दिया है 2 cm, तो 2 × 10⁻², ये 2 से 2 गया, ये 9 से 9 गया। पावर की बात कीजिए अब, तो लेमडा इक्वल टू जो हो जाएगा वो 10⁴ ऊपर था, ये जाके 10⁻²  होगा और 10⁹ होगा, ये 9 ऊपर जाके माइनस होगा, 11 में से 4 गया, तो 10⁻⁷ कूलम पर मीटर आपका यूनिट आएगा। देख लिए ध्यान से, बहुत भारी नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो प्लेट बनाया हुआ है इस तरह से, और दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो अच्छा खासा दिया हुआ है, ये है प्लस सिग्मा, सिर्फ चार्ज डेंसिटी दिया है, प्लस सिग्मा दिया है, और एक दिया है माइनस सिग्मा दिया है, सर्फ चार्ज डेंसिटी, ये बात समझ लीजिए, ये ऊपर का टाइम था लिखा हुआ, नीचे घेर दिए हैं, आपका 10 माइनस सिग्मा दिया है, 6 नहीं दिया है, माइनस सिग्मा सर्फ चार्ज डेंसिटी है। क्वेश्चन में दिया है मैग्नीट्यूड जो दिया है सिग्मा का 17 × 10⁻½ दिया है, यानी सिग्मा का जो वैल्यू दिया है 17 × 10⁻½ दिया है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, देख लीजिए, सॉरी 22 दिया हुआ है, 12 भी नहीं है, 22 है, 17 × 10⁻², कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहला बार निकालना आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है पहला बार में, ए पॉइंट में, बी पॉइंट में आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट आपका यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सी में सेंटर पर निकालना है।
तीनों जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए तो बात को समझिएगा, यहाँ पर ए पार्ट का क्वेश्चन है, ये बी पार्ट का क्वेश्चन है, ये सी पार्ट का क्वेश्चन है। अब जो मैं पूछूंगा जल्दी जवाब देना है, एकदम तुरंत तुरंत, ठीक है। तो चलिए जल्दी से प्रियांशी आप बताइएगा, सिर्फ आपको बोलना और कोई नहीं बोलेंगे। यहाँ पर इस पॉजिटिव प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आपको आंसर अगर इधर आए तो उसको राइट बोलिएगा, और आपको लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट होगा तो इधर लेफ्ट बोलिएगा। आपको इस टर्म में बोलना है तब हमको बात समझ में आएगा। बोलिए जल्दी से, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट के चलते राइट की ओर होगा कि लेफ्ट की ओर होगा? जल्दी से बोलिए, ध्यान से एकदम अच्छी तरह से। चलिए गौरव आप बताइए, वो लगता है कंफ्यूज कर गए हैं। चलिए आप भी नहीं बताइए, अंशु आप बताइए। राइट होगा, पॉजिटिव के चलते किधर होगा ये हम पूछे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, इसके चलते किधर होगा ये बोलिए। लेफ्ट। देखिए हम बताने का तरीका बताते हैं एकदम अच्छी तरह से। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां प्लस वन चार्ज मान लीजिएगा अपने मन से। अब बताइए पॉजिटिव वाला प्लेट इसको क्या करेगा? तो अभी देखिए जो बात बताए हैं उसको ध्यान से समझिए कि क्या है अच्छी तरह से। चलिए ये जहां पॉजिटिव प्लेट आपको निकालना है वहां क्या करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये आपका निकालना है तो पॉजिटिव प्लेट के लिए क्या करेंगे आप समझ लीजिए कि इधर होगा डायरेक्शन, टेक्निक समझिए, पॉजिटिव पे चलते इधर होगा। अब यह निगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को क्या करना चाहेगा, अपनी ओर खींचना चाहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया। उसी तरह से अगर बी पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना वहां पर प्लस वन चार्ज मान लेना, बस इतना याद रखिएगा। प्लस वन चार्ज मान लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस वन चार्ज मान लीजिए यहाँ पर, अपने मन में लिखना नहीं है, हम तो लिख रहे हैं सिर्फ आपके लिए। अब बताइए ध्यान से, यहाँ पर ये निगेटिव प्लेट इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, देख लिए ध्यान से। और ये पॉजिटिव प्लेट ये जो है वो इधर की ओर खींचेगा। हर एक प्लेट के चलते निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब आप बताइए कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के चलते पॉजिटिव और निगेटिव के चलते। पॉजिटिव के चलते किधर होगा, यहाँ प्लस वन मान लीजिए अपने मन में, तब पॉजिटिव के चलते इधर होगा। और निगेटिव पे चलते तो निगेटिव इसको इधर ही खींचेगा, तो दोनों के चलते एक डायरेक्शन हुआ। इतना बात समझ में आ गया है, देख लीजिए डायरेक्शन निकालने का सबसे सुंदर और आसान तरीका बताए हैं, इससे सुंदर आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है आपके लिए। अब सोच लीजिए, और हम लोग जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लार्ज थिन मेटालिक प्लेट ई इक्वल टू होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आप बताइए ये पॉजिटिव चार्ज रहे या नेगेटिव चार्ज, फॉर्मूला तो वही होगा। तो एट पॉइंट ए पर चलिए आप लिखिएगा, एट पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर जैसे ही चलिएगा तो आपको पता है क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव है और नेगेटिव है वेक्टर ना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर है और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इधर है, दोनों मिला के क्या होगा जीरो हो जाएगा। आप समझ लीजिए बात को। इसी तरह से आप जब निकालेंगे एट पॉइंट कहां पर, बी पर, जब बी पर निकालने चलेंगे
तो ई बराबर सॉरी हाँ बी पर भी ई बराबर क्या होगा जीरो हो जाएगा। कहिए कि ई पर बी पॉइंट का जीरो क्या होगा वैल्यू वो बताइए। तो इसलिए जीरो हो जाएगा कि आप सोचिए यहां पर भी दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, लेकिन एट पॉइंट सी पर चलिए तो दोनों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तब प्लस के चलते सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और माइनस के चलते सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यानी E इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या चार्ज बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया है आपके बोर्ड एग्जाम में चार्ज दे के पूछेगा, तब क्या कीजिएगा चार्ज कहेगा इस पर प्लस 5 माइक्रोकुलम चार्ज है उस पर माइनस 5 माइक्रोकुलम चार्ज है तो इंटेंसिटी का वैल्यू बताइए, तब क्या कीजिएगा उस समय आप। इसलिए दोनों तरह से यानी कि आपको सीधा सीधा याद करना है ये कि यदि दो पैरेलल प्लेट हो इस तरह से, अगर दो पैरेलल प्लेट हो इस तरह से देखिए प्लेट अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इस साइड एग्जिस्ट करेगा ना इस प्लेट के इस साइड एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ दोनों प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और इस फॉर्मूला को याद कीजिए, फॉर्मूला डेरिवेशन है, यानी आपको याद करना है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वह हर हाल में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर से बोल देते हैं, दो थिन पैरेलल प्लेट अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखता है तो हर हाल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज भी बोल रहे हैं, यानी दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो बट साइन अपोजिट हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन केवल एग्जिस्ट करेगा और इधर उधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को समझ लीजिए, इन बिटवीन मतलब उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा और उसका फॉर्मूला जो होगा आप देख रहे हैं वहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया है या क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बढ़ेंगे, बस सोच लीजिए और समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो देख लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए फॉर्मूला के रूप में याद करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैपेसिटर आगे पढ़ाएंगे, कंडेंसर आगे पढ़ाएंगे, टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट में उसमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, ये मत बोलिए कि सोल्यूशन नहीं किए हैं, आगे आंसर ये नहीं दिया होगा आपके बुक में, आपको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखे थे 17 × 10^-12 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना पड़ेगा, किसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इसका निकालना चाहते हैं वही 24 नंबर वाले प्रॉब्लम का, तो आप ऐसा फिर करना पड़ेगा आपको एक बार सोल्यूशन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा का वैल्यू है 17 × 10^-22 और 8.85 × 10^-12, इसको गुणा भाग करना पड़ेगा एक बार, हम फार्मूला के रूप में डिराइव कर दिए हैं और ये फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है क्योंकि वहां पर डेरिवेशन ही चलेगा इतना लंबा, वहां पर यूज किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो पैरेलल प्लेट के बीच का क्या होता है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कंडीशन अप्लाइड है कि दोनों प्लेट पैरेलल होना चाहिए, दोनों प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ इन बिटवीन प्लेट एग्जिस्ट करेगा और उसका वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इतना बार बोल दिए हैं याद नहीं हो गया हो, इस फॉर्मूला को हर हाल में याद करके रखना है किसी भी कंडीशन में, बस सोच लीजिए। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, है ना, देखिए अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर है, तो 1.25 नंबर प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन में कहता है एन वाइल्ड ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हेल्ड स्टेशनरी है, अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बात समझिए एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज का वैल्यू है 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, -12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और यह चार्ज पार्टिकल हवा में अपने से टक, जैसे यही पेन मान लीजिए कि यहां पर जो है अभी इस पर 12 इलेक्ट्रॉन फ्री में है, आप बताइए हवा में क्यों अटका हुआ रह जाएगा,
कि तो एम जी इसको खींच लेगा अगर छोड़ दिए तो एम जी तो इस पर लग रहा होगा, इसका मास होगा, एम जी इस पर लग रहा होगा, खींच लेगा। जब एम जी खींच लेगा तो गिर जाएगा, जबकि कहता है हेल्ड स्टेशनरी, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इस पर कोई ना कोई वो फोर्स लग रहा होगा तब तो, और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा होगा क्योंकि चार्ज भी दिया हुआ है। अब बताइए आप लोग दिमाग लगा बताइए, अगर ये चार्ज निगेटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अपवार्ड की ओर की डाउनवार्ड की ओर की फोर्स ऊपर लगता रहे? सोच के बोलिए जल्दी से। फास्ट में एकदम बोलिए क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अपवार्ड या डाउनवार्ड, जबकि निगेटिव चार्ज है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता चलता है तो बार बार रिविजन कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। कहिए सर आप क्यों ऐसा बोले? क्योंकि हमको याद था इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा लगता है। ये बात आपको ही पता था तो हम उसका यूज किए कि ऊपर की ओर लगता है तब फोर्स तो ऊपर की ओर है, यानी फोर्स तो फिक्स है, इसको बैलेंस करने फोर्स ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इसलिए फील्ड के उल्टा लगेगा फोर्स, तब फील्ड डाउनवर्ड होगा तभी आपको इधर लगेगा, यानी क्यू ई का डायरेक्शन इधर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ अगर ये चार्ज हेल्ड स्टेशनरी है तो हर हाल में यहाँ पर आपका एफ ई इक्वल टू एम जी होगा। एफ इक्वल टू क्या होगा? एम जी होगा। इस बात को याद कर लीजिए, एफ इक्वल टू क्या होगा? एम जी होगा। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, एफ इक्वल टू क्या होगा? आपका एम जी होगा हर हाल में, बस इतना समझ लीजिए बात, ठीक है? तो देखिए बात को समझ लीजिएगा, कहता है यहाँ पर आगे, अब डेंसिटी ऑफ वायर ड्रॉप दिया हुआ है, एस्टिमेट रेडियस ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी दिया हुआ है, मास नहीं दिया, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ वायर ड्रॉप, उस डेंसिटी को मैं बी से लिख देता हूं, बी फॉर डेंसिटी। और डेंसिटी इक्वल टू हो जाए, जो वैल्यू दिया हुआ है आपका टी फॉर डेंसिटी, वो दिया हुआ 1. देखिए डेंसिटी का जो वैल्यू दिया है ना 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है? देख लीजिए बात ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? कहता है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। अब रेडियस ऑफ ड्रॉप निकालना है तो आपको तो अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ ड्रॉप निकालना है, यानी ड्रॉप का रेडियस निकालना है, इसका रेडियस क्या है ड्रॉप का, ये निकालना है आर का वैल्यू। तो देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला, ये पता है आपको, और ड्रॉप है जो स्फेरिकल है इसलिए मास बराबर जो होगा आपका एम बराबर वह डेंसिटी गुने 4/3 पाई आर क्यूब होगा। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमको मास निकल गया है, जी का वैल्यू पता है, चार्ज का वैल्यू पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है क्वेश्चन में, वह क्वेश्चन है 2.55 × 10⁴, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है ई का वैल्यू 2.55 × 10⁴ दिया हुआ है, यस यूनिट में इतना वैल्यू दिया हुआ है। तो अब जब लिखेंगे क्यू ई, तो क्यू ई बराबर हो जाएगा यहाँ एम जी। अब बताइए 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 12 इलेक्ट्रॉन, चार्ज लिखिएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2.55 × 10⁴ है, आपका मास बराबर लिखिएगा डेंसिटी गुने वॉल्यूम, तो डेंसिटी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसको एस यूनिट में ले जाना पड़ेगा, तो 1 g/cm मतलब 1000 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 1000 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1260 हो जाएगा, यानी 1260 और इंटू 4/3
अब पाई आर क्यूब हो गया। अब यहाँ से सिर्फ रेडियस निकालना है, तो सारा चीज आपको नोन है, आप यहाँ से रेडियस खुद फाइंड आउट करेंगे, मेरा काम है यहीं तक, है ना, फाइंड आउट करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। सभी लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि किन्हीं लोग को कष्ट भी है, बोलिए जल्दी से, अगर जहाँ कष्ट है तो प्रॉब्लम उठाइए फास्ट में, एकदम जल्दी से बोलिएगा डाउट। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए 26 नंबर प्रॉब्लम जो है, 26 नंबर प्रॉब्लम, यहाँ से तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसमें बहुत सारा फिगर भी है। 26 नंबर प्रॉब्लम 1.26 में क्या है क्वेश्चन, उसको देखिएगा ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिगर तो मैं बनाऊंगा नहीं, फिगर आप सीधा सीधा देख लीजिएगा, है ना। देखिए ये कंडक्टर लिखा हुआ है, आपको फिगर आपके पास भी एनसीईआरटी बुक होगी, ये देखिए कंडक्टर लिखा हुआ है। यह फिगर इसलिए गलत है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मेटल प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि फिगर में देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बहुत जगह नहीं बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप क्लियरली, इसमें 90 डिग्री का एंगल बहुत जगह नहीं बनाया हुआ है, इसलिए यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गलत है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज मेटल पर। और यहाँ पर अगर देखिएगा इस फिगर की बात कीजिएगा तो देखिएगा सेम ही पॉइंट से चार्ज बाहर भी निकल रहा है, और सेम ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कर रहा है, और सेम ही पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट भी कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, जैसे यही पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है बीच वाले पर जो दिख रहा होगा आपको, इस पॉजिटिव चार्ज पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, तब पॉजिटिव पर कभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्मिनेट करता है क्या, ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन है, यानी यह भी रिप्रेजेंटेशन गलत है। यह रिप्रेजेंटेशन जो है आपका सी नंबर फिगर का जो दिख रहा होगा, यह रिप्रेजेंटेशन 100% सही है, यह रिप्रेजेंटेशन 100% इसलिए सही है क्योंकि इसमें सब कुछ वैलिड है। देख लीजिए कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मेटल प्लेट है नहीं कि 90 डिग्री होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए अगला भी दो फिगर है यहाँ पर, उस दो फिगर की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब इस दो फिगर की बात करेंगे तो बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक फिगर आपका यहाँ पर है, देख लीजिए ध्यान से ये फिगर, यह इसलिए गलत है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव पर टर्मिनेट कर रहा है, देख लीजिए इसलिए ये गलत है आपका फिगर। आप ध्यान से समझ सकते हैं मैं कह रहा हूँ कि देख लीजिए ध्यान से, पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव पर जा रहा है, तो गलत है फिगर, यानी यह भी रिप्रेजेंटेशन गलत है। यह रिप्रेजेंटेशन सब जगह सही था क्योंकि सब जगह 90 डिग्री बना दिया गया है मेटल प्लेट पर, लेकिन बीच में यहाँ देखिए आपको क्लोज लूप बना दिया है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है, इसलिए यह भी रिप्रेजेंटेशन गलत है। समझिए क्लोज लूप बना लिया, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका गलत है, यानी कि आप बात समझ सकते हैं कि ए बी सी डी में सिर्फ आपका सी का रिप्रेजेंटेशन क्या था सही था, बाकी आपके पास बुक है वहां से समझ लीजिएगा। देखिए इसके बाद 27 नंबर प्रॉब्लम है, तो 26 तो ऐसा ही हो गया इसलिए इसी को 27 बना देते हैं। अब 27 नंबर प्रॉब्लम की अगर बात कीजिएगा तो कहता है इन अ सर्टेन रीजन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, तो हम जेड डायरेक्शन इसी को मान लेंगे। देखिए यही सब तो हम लोग को फायदा है मानने का, इसीलिए तो वेक्टर में सब पढ़ाते हैं 11th क्लास में कि जिसको जो मानना मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस के अलोंग मान लिए, देख लीजिए कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर कांस्टेंट नहीं है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है, हमको पता नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है आपका, ठीक है हम मान लिए हैं तब ना इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर जीरो है, यहाँ 1 2 3 4 कुछ लिखते चले जाएंगे अपने हिसाब से। अब कहता है व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग टोटल डायपोल मोमेंट दिया है,
एक डायपोल मोमेंट दिया है, तो डायपोल मोमेंट का नाम आपको पता है, डायपोल मोमेंट को पी से हम लोग डिनोट करते हैं, मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, और उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है आपको यहाँ पर, वह वैल्यू जो दिया हुआ है, और ई जो इंक्रीज कर रहा है ना उसका भी वैल्यू दिया है, 10^5 दिया है, देख लीजिए 10^5 दिया था इसका वैल्यू, 10^5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर दिया था, न्यूटन पर कूलम पर मीटर के टर्म में दिया था, और डायपोल मोमेंट दिया है 10^-7 कूलम्ब मीटर दिया हुआ है, वो सीएम नहीं लिखा हुआ है, कूलम्ब मीटर है, इन द निगेटिव जे डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट है जो निगेटिव जे डायरेक्शन में, तब नेट टॉर्क और फोर्स निकालना है कि क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट जो है आपका निगेटिव जे डायरेक्शन में है, समझ लीजिए निगेटिव जे डायरेक्शन का मतलब डायपोल को किधर से किधर बनाइएगा, तो उसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, निगेटिव जे डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर डायपोल को मैं ऐसे रखा हुआ होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी डायपोल मोमेंट नेगेटिव या डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इतना डाटा आपको इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में, आप कहता था नेट फोर्स और नेट टॉर्क बताया, जबकि डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ, ये भी बात कहा है, तो देखिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अभी यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब क्या होगा, यहाँ पर फोर्स जो है, और एक बात और आप समझिए कि क्या होता है, डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डायपोल मोमेंट का ऑल्सो आप जानते हैं, डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू लेंथ होता है, और उसका वैल्यू दिया है 10^-7 कूलम्ब मीटर दिया है, बस समझ लीजिए, यानी इसका लेंथ जो है आपका एल है, इसका लेंथ कितना है आपका एल है, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका लेंथ क्या है आपका एल है, इस बात को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन के अनुसार इस डायपोल की लंबाई एल माने है। अब बताइए फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या है, आप खुद सोचिए, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि क्यू गुणे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो आपका जीरो हो गया, तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स होगा और क्यू गुणे ई होगा, क्यू इंटू ई होगा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो दिया है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ का वैल्यू दिया था, क्योंकि पर मीटर यहाँ लगाया है यूनिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ का मीटर वो दिया था, क्योंकि पर मीटर लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो होता है न्यूटन पर कूलम ना, न्यूटन पर कूलम पर मीटर दिया था, यानी पर यूनिट लेंथ का दिया था वैल्यू, तो यहाँ पर जब फोर्स निकालने चलेंगे तो चार्ज का वैल्यू लिखिए, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ से जब चार्ज का वैल्यू निकालिएगा तो निकलेगा 10^-7 बाई लेंथ निकल जाएगा, यूनिट कूलम मीटर ऐसा यूनिट में उसको छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ का नहीं लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब यहाँ से निकालिएगा तो 10^5 आर इंटू एल लिखाएगा, क्योंकि यूनिट को छोड़ दिए, यूनिट तो ऐसा यूनिट में है, एल से एल ये कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 10^-2 न्यूटन का फोर्स लगा है किस पर, निगेटिव चार्ज पर, इसलिए नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन डायपोल जो होगा वो यही रह जाएगा 10^-2 न्यूटन हो जाएगा, और अलोंग द अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसलिए रह जाएगा यही क्योंकि इस पर तो फोर्स जीरो था, देख लीजिए बात समझ में आ गया इतना दूर तक, देख लीजिए पहले ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछिए, देख लीजिए एकदम क्लियर कंसेप्ट है, समझ लीजिए बात को, अगर कोई कष्ट होगा तो बोलिएगा, देखिए अब इसमें बी पार्ट का था, नेट टॉर्क बताइए, तो बी पार्ट में टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, पी ई साइन थीटा होता है, क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है, अब यहाँ तो थीटा ही जीरो है, यहाँ तो थीटा ही जीरो है, उसके अलोंग है, इसलिए पी गुने ई गुने साइन जीरो डिग्री, तो साइन जीरो डिग्री क्या होगा जीरो हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए, यानी टॉर्क नहीं लगेगा लेकिन फोर्स आपका लगेगा, इस बात को ये समझा रहा है, थोड़ा भी डाउट है किन्हीं को तो बोलिए, क्योंकि मिट जाने के बाद फिर थोड़ा कष्ट हो जाएगा, देख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है शायद, तो देखिए यानी कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज जब आपने पढ़िएगा ना 27 में तो दिमाग खराब कर देगा, ओ माइनस डी जेड बाई डी जेड क्या क्या लिखे ले रहता है, उसको मैं सिंपल भाषा में लिखा हूँ, ठीक है,
इसके और भी बहुत सारे सोल्यूशन है, आप लोग नेट पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, बहुत सारे बहुत तरह से बताए हैं, लेकिन मैं सबसे इसको सिंपल रूप से आपको बताया हूँ। देख लीजिए, लेंथ 2m भी नहीं माने हैं, लेंथ 2a इसलिए नहीं माने हैं, 2m माने से और थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, सीधा लेंथ ऑफ डायपोल को मैं l माना हूँ। देखिए नेक्स्ट कॉलम आप लोग जल्दी से पढ़िए, 28 नंबर कॉलम पढ़िए जल्दी से, फास्ट में एकदम पढ़िए एक बार, तुरंत सोल्यूशन कर रहे हैं। 28 नंबर कॉलम एक बार जल्दी से पढ़िए, आज एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन कर ही देंगे हर हाल में, ठीक है। देखिए बात अगर समझते हैं अच्छी तरह से तो क्या हो सकता पॉसिबिलिटी वो समझिए। देखिए 28 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहता वो देखिए, यानी 1.28, अ कंडक्टर ए विथ कैविटी एज शोन इन फिगर 1.36a इज गिवन अ चार्ज क्यू, मतलब एक कंडक्टर है ए में बनाया हुआ, अ कंडक्टर का शेप है जो आर्बिट्री बनाया हुआ इस तरह से, कंडक्टर जो थोड़ा सा हॉलो है इधर अंदर में कहीं पर है ना, ये सॉलिड है भरा हुआ, और ये चार्ज इसको ए क्यू दे दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो देखिए आउटर गॉस लगाइएगा ऐसे, इसका हम एक और तरीका बताएंगे अगले चैप्टर में कि पोटेंशियल आउटर सरफेस पर ही क्यों होता है, मतलब चार्ज सीधा जो होता है ना आउटर सरफेस पर ही क्यों चला जाता है, क्योंकि अंदर में जो होता है वोल्टेज हमेशा क्या होता है जीरो होता है, और आपको पता है मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज जो होगा हर हाल में क्या होगा आउटर सरफेस पर होगा। कहता है एनोदर कंडक्टर बी हैव अ चार्ज क्यू इंसर्टेड इन द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम इट सो दैट द टोटल चार्ज ऑन आउटसाइड सरफेस इज अ क्यू प्लस क्यू। आपको शो करना है कि टोटल चार्ज होगा ऊपर जो होगा क्यू प्लस क्यू होगा। A sensitive instrument is to be shielded from the strong electric field in its environment, suggest a possible way. ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में करा ना कि जहां पर आपको कहता है टोटल चार्ज आउटर सरफेस पर ही क्यों होगा, तो देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल बॉडी जीरो होता है, तो जस्ट ये सरफेस का आपको गॉसियन सरफेस मान लीजिए, इसको एक आप गॉसियन सरफेस मान लीजिए हर हाल में, मान लीजिए कि यही गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस है जो मेटालिक गॉसियन सरफेस है, ये मेटालिक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, मेटल का बना हुआ कंडक्टर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम इसके जस्ट मतलब जैसे जैसा कंडक्टर है उसके जस्ट एकदम सटा हुआ गॉसियन सरफेस माने हैं। आपको पता है कि गॉस लॉ में क्या कहता है, गॉस लॉ में क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस होता है, तो ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन से ही लिख देते हैं पहली बार में ही, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन होता है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है मेटल बॉडी के अंदर, इसलिए क्यू बाय एप्सिलॉन लिखेंगे, इसलिए क्यू बराबर होगा जीरो, यानी कि चार्ज प्रेजेंट इनसाइड मेटालिक बॉडी जो होगा यानी कंडक्टर होगा जो मेटालिक बॉडी जीरो होगा, अगर जीरो हो गया तो डेट इज कह सकते हैं टोटल चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन था। अब कहता है बी पॉइंट में दो बी नंबर में कहता है कि टोटल यहां भी क्यू चार्ज के रखे हैं, तो इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा इसमें कैसे होगा, बी पॉइंट का क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है फिर इसी तरह से आर्बिट्री एक शेप है उसके अंदर एक आपका सरफेस है, इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू रख दिया गया है और बाहर से कैपिटल क्यू तो था ही। अब बताइए जहां ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इंडक्शन में मेटल के केस में इंडक्शन में पढ़ा चुके हैं पहले
कि जितना वो पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया भाई, तो इस सरफेस से वो खींचा होगा तो उतना ही प्लस चार्ज इस पर बाहर डेवलप हो जाएगा। या फिर गॉस लॉ फिर से लगा दीजिए, टोटल चार्ज इनसाइड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि टोटल चार्ज होगा आउटर सरफेस पर, टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस जो होगा, आउटर सरफेस जो होगा वो क्या लिखिएगा, अंदर फिर से जीरो होगा। तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो आउटर सरफेस होगा वो क्यू प्लस क्यू होगा। ये मैथमेटिकल नहीं, लैंग्वेज का प्रूफ था, लैंग्वेज से समझाना था किसी को। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका 29, ये तो हम पहले ही आपको आपको कॉपी में डिराइव किए हैं, मतलब कि आपको पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं सिग्मा बाई टू ऑप्शन लॉट का डेरिवेशन, वही डेरिवेशन ये पूछ रहा है सिग्मा बाई टू ऑप्शन लॉट का। 30 नंबर जो प्रॉब्लम है जल्दी से पढ़िए आप लोग। ओपन द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। यानी कि आपको ये क्वेश्चन पिछले के पिछले क्लास में स्ट्रेट वायर के चलते जो लंबा सा डेरिवेशन बताया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करके, मतलब इसके जस्ट पिछले लेक्चर का वीडियो में है ना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्पेशल केस पढ़ाए हैं ना, स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें ये डेरिवेशन किया हुआ है आपका, देख लीजिएगा। और वहां डेरिवेशन करते हुए कहां तक जाना है आपको, 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन तक आर तक लिखना है। ये क्वेश्चन भी आपको पिछले लेक्चर में करवाए हुए हैं। 31 नंबर देखिए क्वार्क का क्वेश्चन है, क्वार्क का क्वेश्चन भी पिछले लेक्चर में करवा दिए हैं तीनों क्वेश्चन को। फिर 32 नंबर भी करवाया हुआ है, 33 नंबर भी करवाया हुआ है, देख ले। 33 नंबर में कहता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी हम पढ़ा चुके हैं, याद कर लीजिए, सारा सब कुछ पहले बता दिए हैं। और 34 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट प्रॉब्लम जो है आपका एनसीईआरटी का 34 नंबर जो प्रॉब्लम है वो ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए याद कीजिए क्या बनाए थे, आपको ड्राइव किए थे सब क्वेश्चन, पीछे अगर गड़बड़ हो गया होगा तो जा करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा। जब ऐसे फेंके थे तो एक चार्ज को जब ऐसे फेंके थे तो ये ऐसे भागा था, और ऐसे भागा था तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो आपको आया था बाई इक्वल टू आया था आपका फॉर्मूला, बाई इक्वल टू फॉर्मूला आया था क्यू ई एल स्क्वायर बाई ट्वाइस एम यू स्क्वायर आया था, जहां पर एल था ये लेंथ ऑफ प्लेट था, एल क्या था, ये लेंथ ऑफ प्लेट था, बाई जो था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था। अब इसी क्वेश्चन पर 34 नंबर पूछ रहा है, ये वेलोसिटी दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन प्लेट दे दिया है, सेपरेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया है। वेयर विल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, अपर प्लेट में कहाँ स्ट्राइक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा तो ऊपर जाके टकराएगा, तो कहाँ स्ट्राइक करेगा, तो आपको बताया है सारा डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते क्वेश्चन, समझ लीजिए, नहीं तो बोलिए हम ही पुट कर देते हैं। चलिए मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ, बाई का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, पहले मैं इक्वल का साइन दे करके दोनों तरफ डाटा लिखते चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी दिया है 2 × पहले चार्ज खोजिए क्या इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 9.1 × 10⁻², है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 9.1 × 10⁻², है। कहते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन प्लेट सेपरेटेड बाय सेपरेशन दिया हुआ है, यानी सेपरेशन जो दिया हुआ है आपका ये दिया हुआ है, यानी कि बाई दिया है, कितना दिया है बाई 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 × 10⁻², मीटर, मीटर में बदल दिए, सेंटीमीटर में था 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। आपका स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड जो दिया हुआ है 2 × 10⁶ से दिया हुआ है, 2 × 10⁶ का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको यही एल निकालना है, यही एल का पोजीशन पूछ रहा है कि कितना दूरी पर जाके टकरा गया, यहाँ से कितना दूरी पर जाके टकरा गया ये पूछ रहा है निकालने के लिए, यानी एल का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप अच्छी तरह से, तो देखिए इस प्रॉब्लम को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं, एल निकालना है यहाँ से, इसको गुना भाग आप तो कर ही सकते हैं, अब हमसे गुना भाग क्यों करवाइएगा ये बताइए, एल निकालना है वही आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिए तो गुना भाग तो आपको ही समझ में आएगा ज्यादा। अब बताइए
टॉपिक समाप्त हो गया ना, क्या भी बोलिए, कोई कष्ट है किन्हीं को तो बोलिए। 32 में कैसे करेंगे? 32 में 32 का क्वेश्चन बताया हुआ है, ग्रिड देख लेते हैं फिर से क्या कंफ्यूजन है आपको। देखिए 32 ही बता देते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं ये बताइए आप, बोलिए जल्दी से, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं? फोर्स नहीं लगना कि नेट फोर्स जीरो? नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम मस्ट बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। नेट फोर्स जीरो है तो आप खुद सोचिए, नेट फोर्स अगर जीरो है तब फोर्स तो लग रहा होगा, दो से ज्यादा ही फोर्स लग रहा होगा, दो फोर्स में भी मानिए कि पेन है, इसको दो आदमी मिलकर खींच रहे हैं और दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स लगाए तो एक तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन नेसेसरी ये अनस्टेबल में है। क्यों? अगर एक भी खींचना छोड़ दिया तो फेंक आ जाएगा, या फिर इस पोजिशन से थोड़ा दूर हटा दिए तो फिर से अपने पोजिशन पर आ जाएगा। आज जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उसको अगर हटा भी दिए तो वहां जाइएगा तो वहीं रह जाएगा, उस पर बाहर से फोर्स ही नहीं लगे, इसीलिए वो ऐसा वो पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर बाहर नेट फोर्स के चलते जीरो है तो अनस्टेबल होगा वो हर हाल में। देखिए अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकेंड टॉपिक चालू करेंगे, किसका सेकेंड टॉपिक चालू करेंगे, किसका? आपका इलेक्ट्रोस्टैट का, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट जितना टेढ़ा मेढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट सेकेंड उससे थोड़ा सा आसान है ना। इसमें बहुत सारा फार्मूला है, उन सभी फार्मूला का आपको याद करना है, बहुत सारा फार्मूला अपने से कभी कभी आगे ड्राइव करने के लिए उसको भी आपको ड्राइव करना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है ना। हम बहुत सारा चीज को बताए हैं, उन सभी को ड्राइव करके आपको अपने से डेरिवेशन सीखना है, मतलब डेरिवेशन सारा याद कर लीजिए तभी आपको अच्छा लगेगा। डेरिवेशन याद करने से क्या होगा ना कि आपको नए नए क्वेश्चन में दिमाग काम करेगा, ठीक है, नए नए क्वेश्चन में आपका क्या होगा, दिमाग काम करेगा कि आखिर क्या हो रहा है। देख लेते हैं टाइम क्या हो रहा है। देखिए अभी मीटिंग एंड कर रहे हैं, है ना, ये टॉपिक समाप्त हो गया है, ये आपका अब नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा।